हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी कि आज हम यूरोप के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन हम आज के वक्त के यूरोप के बारे में बात नहीं करेंगे। आज के वक्त में यूरोप हमें ऐसा नज़र आता है कि जितना भी यूरोप का इलाका है उसमें अलग अलग देश बन गए हैं। जैसे ब्रिटेन एक अलग देश है, फ्रांस एक अलग देश है, स्पेन एक अलग देश है, उससे जस्ट लगा हुआ पोर्चुगल एक अलग देश है, जर्मनी, इटली, इस तरीके से अलग अलग देश बन गए हैं। हर देश की अपनी पार्लियामेंट है, जैसे फ्रांस की अपनी पार्लियामेंट है, जर्मनी की अपनी पार्लियामेंट है, हर देश की अपनी अपनी सरकार है, हर देश की अपनी अपनी अदालतें हैं, हर देश के अपने अपने मीडिया चैनल्स हैं। तो इस तरीके से पूरे यूरोप में आज के टाइम में अलग अलग देश बन गए हैं। तो हम आज के वक्त के यूरोप के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उस जमाने के यूरोप के बारे में बात करेंगे जब यूरोप में राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था और रोमन कैथोलिक चर्च का राज हुआ करता था। उस टाइम पे सिस्टम ये था कि जितने भी यूरोप का इलाका है उसकी करीब करीब आधी जमीन रोमन कैथोलिक चर्च के पास थी। इटली का जो इलाका है उसके बीच में एक शहर है रोम, वहां की जो वैटिकन कैथोलिक चर्च है, सोचिए वो इतनी पावरफुल रही है 1500-2000 सालों से, जब माइटी रोमन साम्राज्य हुआ करता था उस जमाने से ये रोमन कैथोलिक चर्च पूरे यूरोप का एक पावर सेंटर रही है, सबसे बड़ा फ्यूडल लॉर्ड रही है ये रोमन कैथोलिक चर्च। तो यूरोप की करीब करीब आधी जमीन इस रोमन कैथोलिक चर्च के पास थी और बची हुई आधी जमीन अलग अलग राजा महाराजाओं और उनके परिवारों के पास थी। और उस जमाने में कोई देश नहीं हुआ करते थे, अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे, जिन साम्राज्यों में या एम्पायर्स में इन राजाओं का राज था और रोमन कैथोलिक चर्च का राज था। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अच्छा, ये जो वक्त था जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, ये कितने सैकड़ों साल पहले की बात है। तो आज से अगर आप मुश्किल से 200-250 साल पहले का इतिहास देखें तो उस टाइम पे यूरोप के पूरे इलाके में कोई भी देश नहीं था, कोई भी एक ऐसा इलाका नहीं था जिस इलाके को आप कायदे के सेंस में देश कह सकें। आज से मुश्किल से 200-250 साल पहले के ये हाल थे। इसके बाद अब इस सीन सिचुएशन में होता ये है कि आज से करीब करीब 300 साल पहले यानी कि 1700s के आसपास के टाइम में एक बड़ी अजीब सी चीज होना शुरू हुई। 1700s के बाद से यूरोप के जितने भी आम लोग थे, जितने भी गरीब लोग थे, जितने किसान थे, जितने मजदूर थे, जितनी औरतें थीं, जितने स्टूडेंट्स थे, मिडिल क्लास के लोग थे, इन सब लोगों के अंदर एक ख्याल चलना शुरू हुआ और ये ख्याल बढ़ता रहा, मजबूत होता रहा और आगे चल के एक आंदोलन में बदल गया। और ये ख्याल ये था कि हम सब जितने भी लोग हैं, हम सब लोग भले ही अलग अलग इलाकों से आते हों, हम सब जितने भी लोग हैं, हम सब लोग भले ही अलग अलग धर्मों से आते हों, हम सब जितने भी लोग हैं, हम सब लोग भले ही अलग अलग भाषाएं बोलते हों, अलग अलग तरह का खाना पीना हो, हमारे कल्चर अलग हों, लेकिन हम सब के सब लोग एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं। और उस सिस्टम में वो सिस्टम हमें दबाए जा रहा है, हमें तोड़ते जा रहा है, हमें काटते जा रहा है। हम जितने भी आम लोग हैं, हम लोग पैदा तो होते हैं इंसानों के जैसे, लेकिन हम इंसानों के जैसे ज़िंदगी जी ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ना हमारे पास हक है, ना अधिकार है, ना आज़ादी है। हम जी ही नहीं पाते हैं, इंसान होने का मतलब नहीं महसूस कर पाते हैं। हम कीड़े मकोड़ों के जैसे जीते हैं, जानवरों के जैसे जीते हैं, क्योंकि कोई हक अधिकार ही नहीं है और हमारी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। कोई भी आके कभी भी कुछ भी बोल के मार सकता है और कोई सुनवाई नहीं है। तो जितने भी हम लोग हैं, जितने भी हम आम लोग हैं, हमें सब मिल के अपना एक देश बनाना चाहिए। जो देश हमारा होगा वो देश किसी राजा या किसी चर्च के पुजारी का देश नहीं होगा, वो पूरा देश हमारा होगा, वहाँ की ज़मीनों में भी मालिकाना हक हमारा होगा। और अब क्योंकि देश हमने बनाया है तो इस देश में काम भी होंगे, फैसले भी लिए जाएंगे, तो इसके लिए कुछ तो लोग, कोई तो लोग होंगे जिनके पास ताकत होनी चाहिए और जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो जिनके पास राज होगा, राज किसके पास होगा? तो जो भी हमने देश बनाया है, इस पूरे इलाके को जैसे हमने देश बनाया है, तो इस पूरे इलाके में राज जो होगा, राज होगा देश की सरकार का।
और ये जो सरकार है ये हमसे ही चुनकर जाएगी, हमारे ही चुने हुए लोग सरकार में जाएंगे, सरकार का हिस्सा बनेंगे, तो ये जो सरकार है ये सरकार हमारे लिए काम करेगी। ये सरकार किसी राजा के लिए या किसी पुजारी के लिए या किसी रूलिंग क्लास के लोगों के लिए काम नहीं करेगी, हमारे देश की सरकार हमारे लिए काम करेगी और इसके पास राज होगा और हम चुनेंगे सरकार को। तो ये जो ख्याल था कि हम सब आम लोगों को, गरीब लोगों को मिलकर अपना एक देश बनाना चाहिए जिससे कि हम लोग इंसानों के जैसे जी सकें, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके, इस ख्याल को कि हमें देश या नेशन बनाना है, इस ख्याल को कहते हैं नेशनलिज्म। और ये ख्याल आज से करीब 300 साल पहले शुरू हुआ यूरोप के इलाके में, और इसके नतीजे में यूरोप में अलग अलग देश बनने शुरू हुए, और फिर ये ख्याल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा। ये ख्याल हमारे हिंदुस्तान में भी पहुंचा और यहाँ पे भी एक से एक आंदोलन हुए, हिंदुस्तान का भी एक नेशनलिज्म डेवलप होता चला गया जिसके बारे में एक पूरा चैप्टर आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जब ये पूरी सीन सिचुएशन थी 1700s के टाइम पे कि राजा महाराजाओं और चर्च का राज है, और यहाँ पे लोगों के मन में ख्याल आया कि हमें इन लोगों को हटा के अपना एक देश बनाना चाहिए, तो अब हो क्या रहा था, जितने भी लोग थे जिन तक ये नेशनलिज्म का ख्याल आया और जिन लोगों ने इस ख्याल को आत्मसात किया, इम्बाइब किया, उन लोगों के आगे तीन टास्क थे जो एक के बाद एक इन्हें पूरे करने थे। सबसे पहला टास्क उनके पास ये है कि आपको लोगों को इकट्ठा करना है, उन लोगों को इकट्ठा करना है जिनको मिला के आप देश बनाओगे। एक लोगों की सहमति ज़रूरी है क्योंकि लोग जब पूरे एक देश में हो जाएंगे तो एक ही देश की एक ही सरकार होगी, एक ही सिस्टम होंगे, एक ही कॉमन इकोनमी होगी सबकी। तो इस वजह से सब लोगों को इकट्ठा करना ये एक पहला टास्क है। और यहाँ पे भी कई सारी पेचीदा सी बातें हैं कि अब आपको लोगों को इकट्ठा करना है तो आपको कुछ बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर उस ज़माने की बात करी जाए तो थोड़े थोड़े इलाके में भाषा बदल जाती है। अब जैसे कि फ्रांस के एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रांस के इतने छोटे से एक इलाके में ही अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती रही हमेशा। तो ये चीज़ होती रही कि आप लोगों को कैसे इकट्ठा करोगे, और देश जो है वो छोटा भी नहीं होना चाहिए, आपको ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना है कि देश बड़ा हो, क्योंकि तभी देश ताकतवर होगा। तो पहला टास्क लोगों को इकट्ठा करना। दूसरा टास्क, अब आपने मान लीजिए लोग इकट्ठा कर लिए और डिसाइड हो गया कि हाँ इतने लोग होंगे देश में और इतना जितना पूरा इलाका है ये हमारा देश होगा। अब जब आपने इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया कि ये पूरा इलाका अब एक देश है और इस इलाके में अब किसी राजा या किसी चर्च के पुजारी का राज नहीं होगा, यहाँ की ज़मीनें भी हमारी हैं और हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ की सरकार कौन होगी, आप जैसे ही ये चीज़ बोलोगे वैसे ही ये खबर जाएगी उन राजाओं के पास जिन राजाओं का राज है एक्चुअली उस इतने बड़े इलाके में। अब उन राजाओं की तरफ से सेना आएगी उनकी, और वो सेना आपके जितने लोग आपने इकट्ठा किए हैं कि हमें देश बनाना है, आपको मारना काटना शुरू करेंगे, औरतों के साथ तो ना जाने क्या करेंगे, और आपको उठा के जिंदा जला देंगे आग में। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अब अपना एक देश बनाने की बात कर दी तो आपने राजा के खिलाफ काम किया है, आपने राजद्रोह किया है एक तरीके से, और आपने सिर्फ राजद्रोह नहीं किया है, आपने चर्च के खिलाफ काम किया है। तो चर्च के खिलाफ काम किया है यानी कि आपने साक्षात भगवान के अगेंस्ट काम किया है, तो इस वजह से तो आप अलग पाप के भागीदार हैं, तो आपको तो जिंदा जला के मारा जाएगा। ये सिस्टम था उस जमाने में। तो अब जो आपका दूसरा टास्क है वो ये है कि अब जब आपने इलाका डिसाइड कर लिया, लोग डिसाइड कर लिए, तो जब उन राजाओं की सेना आएंगी तो उन सेनाओं से आपको लड़ना है, अपने लोगों को बचाना है, उन सेनाओं को उखाड़ फेंकना है, उन राजाओं को, उन पुजारियों को उखाड़ फेंकना है, पुराने जितने सिस्टम्स थे, रूलिंग सिस्टम्स, उनको उखाड़ फेंकना है, तब जाके आप अपना देश प्रोक्लेम कर पाओगे कि ये हमारा देश है और यहाँ अब हमारी चलेगी। तो ये दूसरा टास्क रहा। अब जब आपने देश मान लीजिए बना लिया और उसको बरकरार भी रख लिया, तो अब तीसरा टास्क ये है कि अब जब आप देश बन गए हैं, आपने राजाओं को उखाड़ फेंका, तो भविष्य में वो राजा दोबारा से आप पे अटैक करके आप इस पूरे इलाके के फिर से राजा बनना चाहेंगे। और इसके अलावा
जो दूसरे साम्राज्य हैं या दूसरे जो देश हैं वो भी आप पे अटैक करके आपके देश को अपने इलाके में मिलाना चाहेंगे, तो आपको हर किसी से हिफाजत करनी है अपने देश की। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली यही कहानी देखेंगे कि आज से 300 साल पहले जब 1700s में ये नेशनलिज्म का ख्याल चलना शुरू हुआ तो दरअसल में क्या क्या हुआ, फिर यूरोप में क्या क्या होना शुरू हुआ, क्या क्या होता रहा और क्या क्या होता चला गया, जिसके नतीजे में फिर ये दुनिया ऐसी बनी जो दुनिया हमें नजर आती है आज के टाइम में, और इस दुनिया के जो सिस्टम्स हमें नजर आते हैं उन सब के बनने की जो कहानी है हर चीज की जड़ इस टाइम के आसपास छिपी है। और एक और खास चीज, ये जो नेशनलिज्म है ये दरअसल में यूरोप की आजादी की लड़ाई है। हम हिंदुस्तान जो है हमने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी ब्रिटिशर्स के साथ, तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि जो यूरोपियंस थे वो बड़े ऐशो आराम में रहते थे और यहाँ से सब लूट के ले जाते थे और मज़े में रहते थे, इस वजह से वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। लेकिन अब यूरोप की जब हम कहानी देखेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि जिस ज़माने में हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे यूरोप में भी वहाँ के आम लोग अपनी रूलिंग क्लास से लड़ रहे थे और ये उनकी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। तो सबसे पहले इस चैप्टर का एक बेसिक फ्लो ऑफ थॉट देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स से होके गुजरेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन 1700s के आसपास किस तरीके से नेशनलिज्म का राइज होना शुरू होता है, यानी कि ये ख्याल शुरू कैसे हुआ कि हम सब जितने भी आम लोग हैं हमें मिल के अपना एक देश बनाना चाहिए। अब इसके बाद जब नेशनलिज्म शुरुआत हुई इसकी तो किस तरीके से लोगों ने कुछ कॉमन थ्रेड्स ढूंढने शुरू किए, यानी कि किस तरीके से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकें कि एक देश बनाया जा सके, और वो कौन सी चीज़ें होंगी जिन चीज़ों के बेसिस पे उन सब लोगों की कोई नेशनल आइडेंटिटी बनाई जा सकेगी, यानी कि कोई देश के तौर पर कोई पहचान हो सकेगी। अब इसके बाद ये चीज़ चलती रही आगे, फिर वक्त आता है 1789। अब इस साल एक बहुत अजीब सी घटना हुई। हुआ ये कि फ्रांस का जो इलाका है वहाँ के जो आम लोग हैं उन आम लोगों ने, गरीब लोगों ने मिलके फ्रांस के राजा से लड़ाई कर ली। फ्रांस की सेना जो आई, फ्रांस की सेना को हरा दिया, राजा को उखाड़ फेंका, चर्च के जो प्रीस्ट लोग थे उनको भी उखाड़ फेंका। जितने भी आम लोग थे वो सब मिले, उन्होंने जितना भी फ्रांस का इलाका है उसे एक देश घोषित कर दिया कि ये पूरे फ्रांस का इलाका अब किसी राजा की जागीर नहीं है, ये हमारा देश है। और उन आम लोगों के चुने हुए जितने लोग हैं वो सब आपस में मिलते हैं, अपनी नेशनल असेंबली बनाते हैं उसे, और सब लोग मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, यानी कि संविधान, कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं जितने भी लोग हैं उनके हक और अधिकार लिखते हैं, नए तरह के कानून लिखते हैं और राजा के लिमिटेशंस लिखते हैं कि अब राजा यूं ही कोई काम नहीं कर सकता कि जो भी ख्याल आया वो फैसला ले लिया और जनता को मानना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं है। अब उसके ताकत डिसाइड कर दी राजा की कि आपको कोई भी फैसला लेना है तो पार्लियामेंट में विधेयक लाइए, पार्लियामेंट में डिस्कस होगा तब जाके फिर कभी पास हो पाएगा। तो ये बहुत अजीब सी बात थी कि जितने भी आम लोग हैं उन्होंने मिलके एक देश बना लिया और राजा से उसकी ताकत छीन ली। ये पहली बार हुआ। ऐसा तो हमेशा से होता आया कि चलो लोगों ने मिलके राजा को मार दिया, कोई दूसरा राजा आ गया, लेकिन ये जो चीज़ थी ये इतिहास में, इंसानों के हजारों सालों के इतिहास में और पूरी दुनिया की जितनी सिविलाइजेशंस रही सब सिविलाइजेशंस के इतिहास में पहली बार हुआ कि आम लोगों ने राजा को मारा नहीं, उसकी ताकत छीन ली। अब ये जो चीज हुई इस चीज को कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि सच में ये क्रांति थी, एक बगावत थी, एक इंकलाब था एक सेंस में। अब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, जब ये हुआ तो पूरी एक बिजली दौड़ गई यूरोप के इलाके में। जितने भी जो वर्किंग क्लास लोग थे, जितने भी समाज के निचले वर्ग के लोग थे या मिडिल क्लास के लोग थे, उनके अंदर एक खुशी आ गई, एक कॉन्फिडेंस आया कि ये जो फ्रांस के लोग हैं इन्होंने कमाल कर दिखाया, इन्होंने लड़ाई कर ली राजाओं से और उखाड़ फेंका इनको, तो उनको कॉन्फिडेंस आया कि हम भी अपने राजाओं से लड़ाई करके इनको उखाड़ सकते हैं और हम भी अपना देश बना सकते हैं और हमारी भी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और एक और खास चीज, अब क्योंकि ये फ्रांस के लोग आज़ाद हो गए हैं
तो अब ये हमारी मदद कर सकते हैं कि हम अपने राजाओं से लड़के इनको उखाड़ फेंकें। और इसके अलावा फ्रांस की जब ये पूरी लहर आई तो जितने रूलिंग क्लास के लोग थे, पूरे यूरोप के अलग अलग जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, उनके अंदर एक डर बैठ गया कि ये फ्रांस के लोगों ने अपने राजा को उखाड़ फेंका तो हमारे जो साम्राज्य के जो आम लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो ये मिलके हमें ना उखाड़ फेंकें। तो ये सारा सिस्टम चल रहा था, पूरे यूरोप में एक नई लहर दौड़ रही थी। अब जो फ्रांस के लोग हैं उनके आगे एक और प्रॉब्लम, उन्होंने तो अपने राजाओं से लड़ाई करी, राजशाही को हटा दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि फ्रांस की जो रानी थी वो बगल वाला जो साम्राज्य है, फ्रांस से जस्ट जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य। आज के टाइम में ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, ऐसे कई सारे देशों के इलाके हैं, उस टाइम पे ये देश नहीं हुआ करते थे, वहाँ ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य हुआ करता था। और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य में हैब्सबर्ग खानदान के लोगों का राज था। तो जो फ्रांस की रानी थी वो हैब्सबर्ग खानदान की बेटी थी। तो जो फ्रांस के लोग थे, जो आम जनता थी, उन्हें एक चीज़ क्लियर कन्फर्म थी कि ये जो बगल वाला ऑस्ट्रियन साम्राज्य है ये पक्का अटैक करेगा, और इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि राजा और राजशाही को दोबारा से राजा बना दिया जाए, राजशाही में लौटाया जाए। और एक और खास चीज़, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य ही अकेले अटैक नहीं करेगा, जितने अलग अलग साम्राज्य हैं, जितने राजा लोग हैं, सबके सब अटैक करेंगे। क्योंकि आपने सिर्फ अपने इलाके के राजा को नहीं हटाया है, आपने वो जो सिस्टम चल रहा था कि समाज में सिर्फ 5-10% लोगों के पास ताकत है, बाकी सब लोग कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी जी रहे हैं, आपने उस सिस्टम को चैलेंज कर दिया, तो उस सिस्टम को रिवर्ट करने सब लोग आएंगे। तो अब फ्रांस के आगे दो ऑप्शन है कि या तो फिर वो इंतज़ार करे कि सब लोग अटैक करेंगे, और या तो फिर फ्रांस पहले से ही अटैक कर दे इन लोगों पे। तो फ्रांस के लोगों ने फाइनली जाके ये डिसाइड किया कि हम लोग इस जो आज़ादी हमने शुरू करी है, जो आज़ादी हमें मिली, हम ये आज़ादी पूरे यूरोप में फैलाएंगे। तो फ्रांस की सेनाओं ने अटैक करना शुरू किया यूरोप के अलग अलग हिस्सों में। और इस तरीके से फिर आगे आने वाले कुछ सालों में होता ये है कि फ्रांस के अंदर का जो हाल थे वो बहुत अनस्टेबल थे, कि अब राजा और पुजारियों को तो हटा दिया, लेकिन अब जो नई सरकार किसकी होगी, काम कैसा होगा, तो बहुत अनस्टेबल सिस्टम था फ्रांस का। लेकिन फ्रांस के बाहर जो फ्रांस की सेनाएं गई थी वो अच्छा काम कर रही थी, अलग अलग इलाकों में जीत रही थी। और इस टाइम पे नेपोलियन का राइज होना शुरू होता है। फ्रांस की सेना में एक नॉर्मल लेवल से शुरू हुआ था ये नेपोलियन, और नेपोलियन एक आम परिवार का था। तो उस ज़माने में होता ये था कि जितने भी आम परिवारों के लोग होते थे, वो भले ही कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो एक लेवल से ऊपर उनका प्रमोशन नहीं किया जाता था, क्योंकि ऊपर के जितने अफसर हैं, जितने भी पोस्ट हैं, वो सब के सब राजशाही के लोग होते थे या फिर चर्च के लोग होते थे। तो आम आदमी कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो सिर्फ एक लेवल तक ही प्रमोट हो सकता है, उसके ऊपर का अफसर नहीं बन सकता। लेकिन अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इस कानून को भी हटा दिया गया था। नेपोलियन जो थे उनको ये सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन बनते चले गए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने फ्रांस को तो देश बनाया ही, हमें नेपोलियन भी दिया। अब कुछ सालों के बाद, ये टाइम है 1800s के आसपास, फ्रांस अंदर से बहुत अनस्टेबल हो रखा था और नेपोलियन एक बड़े अच्छे लेवल के फिगर बन चुके थे। नेपोलियन वापस आते हैं फ्रांस में और देखते हैं कि बहुत अनस्टेबल सिस्टम है, इस चैलेंज पे स्टेप अप करते हैं नेपोलियन और वो फ्रांस की लीडरशिप लेते हैं। आगे आने वाले सालों में नेपोलियन अपने आप को राजा बना लेते हैं, और नेपोलियन इसके बाद लाते हैं नेपोलियनिक कोड, यानी कि कुछ ऐसे कानून लाते हैं कि वो जो रूलिंग क्लास थी, जो अमीर तबका है, बहुत ताकतवर तबका है, और जो नॉर्मल लोग हैं, आम लोग हैं, इनके बीच का कुछ ऐसा रास्ता निकालना कि रूलिंग क्लास के लोग भी ज़्यादा खफा ना हो, और ये जो गरीब क्लास के लोग हैं इनको भी थोड़ा फ़ायदा मिलता रहे, ये भी खफा ना हो, तो एक बैलेंस रहे थोड़ा सा। तो एक बैलेंस्ड फॉर्म में नेपोलियन ने काम करना शुरू किया। लेकिन फिर भी देखा जाए तो उस ज़माने के लिहाज से जब कोई हक और अधिकार नहीं थे, तो नेपोलियन के चेंजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे चेंजेस माने जाएंगे। तो अब नेपोलियन ने सबसे पहले ऐसे चेंजेस लाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स बेटर किया, तो फ्रांस अब स्टेबल था कि फ्रांस का सिस्टम एक लॉ एंड ऑर्डर में चल रहा है।
नेपोलियन ने अब इसके बाद इस चीज़ को प्रपोज किया कि हम इस आज़ादी को पूरे यूरोप में लेके जाते हैं। नेपोलियन फिर से अपनी आर्मीज लेके निकलते हैं और पूरे यूरोप के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, साम्राज्यों से लड़ाई करते हैं, राजाओं को उखाड़ फेंकते हैं, उन राजाओं की जगह अपने जानने वालों को राजा बना देते हैं और लोगों को कहते हैं कि अब आप आज़ाद हैं, अब आप भविष्य में अपना देश बना सकते हैं और फिलहाल के लिए आप फ्रांस के संरक्षण में हैं। और इस तरीके से आगे आने वाले कुछ सालों में नेपोलियन ने अपनी सेना के साथ तकरीबन पूरा यूरोप जीत लिया। सिर्फ यूनाइटेड किंगडम और रशिया सिर्फ दो ऐसे इलाके थे जिन इलाकों में नेपोलियन ने राजशाही जो सिस्टम था उसको उखाड़ा नहीं था। तो अब यहाँ पे होता है क्या है कि जितने भी पुराने साम्राज्य थे और जितने राजा लोग थे, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे प्रशिया एक राज्य था, एक ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य था, एक रशिया था, तो ऐसे जितने अलग अलग साम्राज्यों के राजा हैं वो सब आपस में मिलते हैं और एक पैक्ट बनाते हैं कि हम सब मिल के लड़ते हैं नेपोलियन से और नेपोलियन को हराते हैं, क्योंकि इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर नहीं रोक पाए तो ये पूरे सिस्टम्स तोड़ देगा, सत्यानाश कर देगा। तो ये सारे जितने राजा लोग थे ये आपस में मिलते हैं और लड़ाई करते हैं नेपोलियन से, और फाइनली जाके 1815 के आसपास नेपोलियन को ये लोग हराने में कामयाब हो जाते हैं। अब जब नेपोलियन हार चुके हैं, नेपोलियन को देश निकाला दिया जाता है, इनको यूरोप के बाहर भेज दिया जाता है कि अब आपका इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। तो अब जितने भी राजा लोग हैं वो सब इकट्ठा होते हैं। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य जो था उसकी कैपिटल थी वियना में, आज के टाइम में जो ऑस्ट्रिया देश है उसकी कैपिटल बन गया है ये। तो वियना में सारे देश के अलग आते हैं राजा लोग और मुलाकात करते हैं, उसे कहा गया कांग्रेस ऑफ वियना, और ये हुई थी 1815 में। और इसमें सारे राजा लोग मिलते हैं, फ्रांस ने जितनी टेरिटरीज एक्स्ट्रा जीत रखी थी उनका डिवीजन करते हैं, जितने भी पुराने सिस्टम्स थे उन पुराने सिस्टम्स को रिवाइव करते हैं। नेपोलियन के अंडर या उससे पहले के गवर्नमेंट्स में जितनी ज़मीनें राजाओं से छीन ली गई थी, जितनी ज़मीनें चर्च से छीन ली गई थी, उन ज़मीनों को वापस किया गया और पूरी कोशिश करी गई कि अब ये जो नेशनलिज्म है, ये जो चीज़ है, आंदोलन है, इस आंदोलन को इस तरीके से दबाया जाए कि कोई भी आदमी नेशनलिज्म जो फॉलो करता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो ये जो चीज़ हुई 1815 में कि दोबारा से राजशाही शुरू हो गई, जितने भी राजाओं को नेपोलियन ने उखाड़ फेंका दोबारा से उन राजाओं को ले आया गया और फिर से यूरोप वैसा ही चलेगा जैसा हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से चलता आया। लेकिन ये जो नेशनलिज्म का ये जो ख्याल चल चुका था आम जनता में, ये रुकने वाला नहीं था। जितने भी लोग नेशनलिस्ट लोग थे ये सब अंडरग्राउंड हो गए और सब ने अपने अपने सीक्रेट ग्रुप्स बनाने लग गए और अंडरग्राउंड लेवल पे काम चलता गया नेशनलिज्म का। लोग अलग अलग धागे ढूंढते ही रहे किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया जाए। कई लोग साम्राज्य के तौर पे कल्पना कर रहे थे देश बनाने की, जितना बड़ा साम्राज्य है उतना बड़ा देश बना दिया जाए। लेकिन अब कई जगह साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि साम्राज्य अलग अलग कल्चर के लोगों से मिल के बनते हैं। तो कई लोगों का ख्याल ये था कि पूरे पूरे कल्चर जो हमारा कल्चर है उसको हटा के एक देश बनाया जाए। कई लोगों ने ये कॉमन थ्रेड भाषा में ढूंढा, कई लोगों ने धर्म में ढूंढा। बेसिकली इतिहास एक फैक्टर था जिस फैक्टर से आप धागे जोड़ सकते हो। तो ये सब चलता रहा, वक्त के साथ लोगों ने विजुअलाइजेशन करना शुरू किया कि अब आम लोगों को वो विजुअलाइज कर सकें, वो कनेक्ट कर सकें उस देश के ख्याल से, क्योंकि देश जो चीज़ होती है वो तो इमेजिनरी है, इमेजिन्ड रियलिटी है, दरअसल में ऐसा कुछ होता तो नहीं है। तो आम जनता जो है, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी कनेक्ट कर पाए देश के ख्याल से, तो देश का विजुअलाइजेशन शुरू हुआ। तो हम इस चैप्टर में विजुअलाइजेशन भी देखेंगे, जैसे फ्रांस को मैरियन के नाम की एक लड़की से डिपिक्ट किया गया कि हाँ ये हमारा देश है, ये उनका मदरलैंड है। जर्मनी को जर्मेनिया से दिखाया गया। इस तरीके से अलग अलग विजुअलाइजेशंस और पेंटिंग्स बनाए गए जिससे कि लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग स्ट्रांग होती चली जाए। अब इसके बाद वक्त आगे बढ़ता है, पूरे यूरोप में अलग अलग फिर से राजा हो गए, फिर से अपराइजिंग्स होती हैं। 1830 में फिर एक अपराइजिंग होती है फ्रांस में, फ्रांस के लोग फिर अपने राजा को उखाड़ फेंकते हैं और जो रूलिंग क्लास के लोग हैं
उन्हें एक नए राजा को बिठाना पड़ता है लोगों को शांत करने के लिए, चलो ये जो राजा है ये नया राजा है ये बेहतर होगा। लेकिन बेहतर नहीं हुई चीजें, फिर फ्रांस के हाल खराब हुए, फ्रांस ने फिर से अपराइजिंग करी, 1848 में फिर से राजा को देश छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद फ्रांस एक रिपब्लिक बना और अब फ्रांस में राजशाही खत्म हो गई ऑफिशियली। इसके बाद फिर और भी आगे की कहानियां हैं, फिलहाल हम इस चैप्टर में ये सब चीजें देखेंगे। और जब जब फ्रांस फटा है 1830 में या 1848 में, तो सिर्फ फ्रांस में अपराइजिंग नहीं हुई है, फ्रांस जब जब फटा है पूरे यूरोप में अलग अलग जगह अपराइजिंग्स हुई हैं। अब इसके बाद हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जर्मनी कैसे एक देश बना, और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इतिहास के एक बहुत फेमस फिगर हैं ऑटो वान बिस्मार्क, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इटली कैसे देश बना ये डिस्कस करेंगे, और इटली के अंदर हम मैजिनी और गैरिबाल्डी जैसे बड़े बड़े लोग का नाम जिक्र करेंगे। ब्रिटेन कैसे देश बना, और इसमें हम जानेंगे ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में। तो 1870s तक आते आते यूरोप में जो वेस्ट का इलाका है, वेस्टर्न यूरोप जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड था, वहाँ देश बन चुके थे अच्छे खासे लेवल पे वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में। अब 1900s का टाइम शुरू होता है, और 1900s के टाइम पे दुनिया का सिस्टम ये चल रहा होता है कि जो नेशनलिज्म है कि हमें भी अपना देश बनाना है, ये ख्याल ईस्ट यूरोप की तरफ बढ़ता रहा। यूरोप जहां एशिया से लगता है, जो मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन है इसके आसपास, इस जमाने में उस टाइम पे वहां ऑटोमान साम्राज्य हुआ करता था। तो अब नेशनलिज्म जब वहां पहुंचा तो वहां अलग अलग कल्चर्स के लोग अपना अपना देश मांगने लगे, और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य भी था, तो कई सारे कल्चर्स थे वो ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य से अलग हो रहे थे, कई सारे कल्चर्स ऑटोमान साम्राज्य से अलग हो रहे थे। तो अब जो अलग हो रहे हैं, नए देश बन रहे हैं, तो अब यहाँ लड़ाई किन किन के बीच में होनी है ये देखिएगा। सबसे पहले तो जो साम्राज्य है उससे जिन लोग को अलग होना है, इन दोनों के बीच लड़ाई, कि साम्राज्य चाहेगा कि ये अलग ना हो और ये चाहेंगे कि हम साम्राज्य से अलग हो जाएं। अब इन साम्राज्यों से जो नए देश अलग हो रहे हैं ये आपस में लड़ेंगे कहीं ना कहीं की जमीन के लिए, किसी और चीज़ के लिए। और इसके बाद इन पुराने और कमजोर साम्राज्य जो थे, ऑटोमान और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, ये पुराने और कमजोर साम्राज्यों से जब अलग देश निकल रहे थे, दूसरी तरफ वेस्टर्न यूरोप के देश थे, ये ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब लोग पुराने देश जो ताकतवर ज्यादा थे, जिन देशों की ईस्ट इंडिया कंपनीज या वेस्ट इंडिया कंपनीज थी और इन देशों का राज था पूरी दुनिया में। तो ये जो वेस्ट यूरोप के देश हैं इनमें कंपटीशन चल रहा था कि ये जो नए देश बन रहे हैं इन नए देशों में कंट्रोल किसका होगा। तो लड़ाई कितने लेवल्स पे चल रही है। तो इस वजह से 1900s के टाइम पे आते आते इतना डर लोगों के अंदर बैठता जा रहा था, और इस टाइम पे दुनिया इतनी तेजी से बदल रही थी, समाज ऐसा बदल रहा था कि अब यहां पे नेशनलिज्म मिलता है इंपीरियलिज्म के साथ, कि हमें अलग देश बनाना है और अलग साम्राज्य सोच रहे हैं कि हमें अपना साम्राज्य बढ़ाना है। और जो बाल्कन का रीजन था, जो मिडिल ईस्ट वाला बाल्कन एरिया है, वहाँ पे अब लड़ाइयाँ शुरू हुई। अब जब लड़ाइयाँ शुरू हुई उस टाइम हुआ क्या, यूरोप एक्चुअली दो टीम्स में डिवाइड हो गया। एक टीम थी फ्रांस और रशिया की, और दूसरी टीम थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया की, कि कोई अगर किसी पर अटैक हुआ तो दूसरा जो देश है वो साथ देगा। अब इन जो बाल्कन की जो लड़ाइयाँ चल रही थी, इन लड़ाइयों के चलते हुआ ये कि ऑस्ट्रियन साम्राज्य ने हमला किया सर्बिया पे, सर्बिया की तरफ से आया रशिया, और जब रशिया आया तो ऑस्ट्रिया की तरफ से आया जर्मनी, जब ऑस्ट्रिया की तरफ से जर्मनी आया तो अब रशिया की तरफ से आया फ्रांस, और इन दोनों ग्रुप की लड़ाई होने लगी। जब इन दोनों ग्रुप्स की लड़ाई होने लगी तो अब ब्रिटेन आया फ्रांस और रशिया की तरफ, इनके इलाके में, मतलब इनके टीम में भी कुछ और देश आए, इनकी टीम में भी कुछ और देश आए, तो इस तरीके से दो टीम बन गई थी जो आपस में लड़ रही थी। तो यूरोप की जो लड़ाई थी, यूरोप की ये लड़ाई, इसे वर्ल्ड वॉर कहा गया, क्योंकि ये पहली बार इंसानियत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि यूरोप की लड़ाई है लेकिन सैनिक जो हैं और जो हथियार हैं, खाने पीने की चीज़ें, हर चीज़ पूरी दुनिया से जा रही थी।
हिंदुस्तान के सैनिक जाके सोचिए यूरोप में लड़ रहे थे उन लोगों के लिए जिनको वो जानते भी नहीं है, उन लोगों से लड़ रहे थे जिनको वो जानते नहीं है। और वर्ल्ड वॉर इसे इसलिए भी कहा गया क्योंकि पहली बार, इससे पहले जो लड़ाइयाँ हुई उसमें स्केल बहुत बड़ा नहीं होता था, यहाँ तक आते आते इंसानों ने बंदूकें बना ली थी, बॉम्ब बना लिए थे, तो बहुत बहुत वाइड स्केल खून खराबा हुआ। तो इन बेसिकली ये थॉट रहेगा इस चैप्टर का। लेकिन अब इस चैप्टर को हम उस तरीके से पढ़ना शुरू करें जैसा आपके एनसीईआरटी के बुक्स में लिखा है। इससे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि ये देश का क्या मतलब होता है, ये क्यों सब लोग मरे जा रहे थे, हमें अपना अपना देश चाहिए, ये देश का एग्जैक्टली मतलब क्या है। पहले इस वीडियो में आपको मैं ये समझाऊंगा, इसके बाद फिर मैं एक अलग से वीडियो निकालूंगा जिसमें मैं इन चीज़ों की पूरी कहानी समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या हुआ। और उस वीडियो को भी मैं शामिल करूंगा जो कॉमन मैनस नॉलेज प्लेलिस्ट है, जो असेंशन टॉक्स स्पेशल्स हैं उसमें वो वीडियो आपको मिल सकता है। और उसके बाद फिर इस चैप्टर का मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, उसमें फिर हम जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में चैप्टर डिस्कस करना शुरू करेंगे, और तब फिर आपको वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज याद हो चुकी होगी तब तक। तो इस साल के इंडिपेंडेंस डे पे यानी कि 15 अगस्त 2021 के दिन हमारा देश 74 साल का हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हमारे देश का ही 74th बर्थडे होगा इस साल। अब ये बात सुन के हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा हो कि हमारा हिंदुस्तान जो है, हम तो हजारों सालों से एक प्रॉस्परस सिविलाइजेशन रहे हैं, आज से 10,000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हमने फिर एक से एक राजा देखे हैं, हमने एक से एक योद्धा देखे हैं, हमने एक से एक साम्राज्य देखे हैं, बड़े बड़े साम्राज्य देखे हैं, हमने अंग्रेजों का जमाना देखा है, हमने आज़ादी की लड़ाई देखी है, तो हम हिंदुस्तान तो हजारों सालों से चले आए, तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें देश बने हुए सिर्फ 74 साल हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1947 से पहले का जितना वक्त था उसमें आज के वक्त जितना बड़ा इलाका आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान एक देश है, हिंदुस्तान एक देश है, बांग्लादेश एक अलग देश है, श्रीलंका एक अलग देश है, बर्मा एक अलग देश है, ऐसे अलग अलग देश नहीं थे। 1947 से पहले ये पूरा का पूरा इलाका एक खुला हुआ इलाका था, यहाँ पे कोई भी आ सकता था, रह सकता था, जा सकता था, ये इंडियन सिविलाइजेशन और उसके आसपास का इलाका था। और यहाँ पे अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे, अलग अलग राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। और 1947 से पहले का जो टाइम था उसमें ये होता था कि जो देश का जो कॉन्सेप्ट है वो इतने बड़े लेवल पे नहीं था कि ये पूरा का पूरा इलाका एक देश है पाकिस्तान, ये पूरा का पूरा इलाका एक देश है हिंदुस्तान, ये पूरा का पूरा इलाका एक देश बांग्लादेश, ऐसा नहीं होता था। 1947 से पहले जो लोगों का देश होता था वो इंडिविजुअल लोकल लेवल पे होता था। अब जैसे जो पश्तून लोग हैं, पश्तून आधा अफगानिस्तान में चला गया, आधा पाकिस्तान में, तो जो पश्तून लोग हैं उनके लिए पश्तून उनका देश है, जो पंजाबी लोग हैं उनके लिए पंजाब उनका देश है, जो बलूच के लोग हैं उनके लिए बलूचिस्तान उनका देश है, जो मराठी लोग हैं उनके लिए महाराष्ट्र उनका देश है, जो नागा लोग हैं उनके लिए नागालैंड उनका देश है, जो साउथ इंडिया के अलग अलग कल्चर्स हैं सबके अलग अलग देश थे, जो बंगाली है उसके लिए बंगाल उसका देश है। तो इस तरीके से जो देश का जो कॉन्सेप्ट था वो छोटे छोटे कल्चर्स के लेवल पे था, इतने बड़े लेवल्स पे नहीं था कि इतने बड़े बड़े लेवल पे देश हों। तो 1947 से पहले ये पूरा इलाका इंडियन सिविलाइजेशन थी और अलग अलग साम्राज्य थे। फिर एक ऐसा वक्त आया जब हमारी पूरी इंडियन सिविलाइजेशन और आसपास के इलाके में ब्रिटिश साम्राज्य हुआ। उसके बाद हमारी इंडियन सिविलाइजेशन के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया, लड़ाई करनी शुरू करी अपना देश बनाने के लिए कि हमें अपना एक देश बनाना है जिससे हम गरीब लोगों की ज़िंदगी, आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। और इस तरीके से ये मूवमेंट चलता रहा, एक आंदोलन चलता रहा, जिसके नतीजे में 1947 के बाद जब ये ब्रिटिश साम्राज्य टूटा तो उसके नतीजे में फिर अलग अलग देश बने हैं। तो अब आप ये चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमारी जितनी भी इंडियन सिविलाइजेशन थी 1947 में, हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को आज़ादी मिली और हमारी इंडियन सिविलाइजेशन कन्वर्ट हुई फिर अलग अलग देशों में।
तो अब आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक कर रही होगी कि अच्छा, देश का ये मतलब होता है कि अब एक कॉमन टेरिटरी हो गई है, जैसे पाकिस्तान की एक वेल डिफाइंड टेरिटरी हो गई है, इंडिया की एक वेल डिफाइंड टेरिटरी हो गई है, तो एक शेयर्ड टेरिटरी हो गई है, एक शेयर्ड इकॉनमी हो गई कि इतने पूरे इलाकों की इकॉनमी एक जैसी होगी, कुछ शेयर्ड कल्चर्स या कुछ शेयर्ड लैंग्वेज, ऐसा करके कुछ शेयर्ड हिसाब हैं इनके, जिनके दम पे अलग अलग देश बने हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देश का मतलब ये नहीं होता कि अब एक शेयर्ड बाउंड्री हो गई है या शेयर्ड इकॉनमी हो गई है। देश जो चीज़ होते हैं, देश एक मैकेनिज्म को कहते हैं, एक काम करने के तरीके को कहते हैं, और उस मैकेनिज्म के ये फीचर्स हैं कि एक कॉमन टेरिटरी हो, एक कॉमन लैंग्वेज हो, ये सिर्फ फीचर्स हैं, ये मैकेनिज्म नहीं है। ये वैसी ही बात है जैसे अगर आप किसी जानवर को ऊपर से देखिए तो आप नहीं समझ पाएंगे एग्जैक्टली कि वो जानवर है कैसा। तो आपको किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको उसे ऊपर से भी देखना पड़ेगा, सामने से, दाएं बाएं, हर तरफ से देखना पड़ेगा। तो ये जो मैकेनिज्म होता है जिसे हम देश कहते हैं, ये काम करने का तरीका, ये होता क्या है, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप ये समझेंगे कि एक्चुअली देश किस चीज़ को कहते हैं, तब आपको इन चीज़ों का मतलब समझ में आएगा कि हम जैसे पाकिस्तान को एक फेल्ड नेशन क्यों कहते हैं। पाकिस्तान की एक वेल डिफाइंड बाउंड्री है, एक वेल डिफाइंड इकॉनमी है, एक वेल डिफाइंड सिस्टम है पाकिस्तान के, फिर भी हम पाकिस्तान को एक विफल देश या एक फेल्ड स्टेट क्यों कहते हैं। और आपको जब ये आइडिया होगा कि देश किस चीज़ को हम कहते हैं, तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि जब हम ये बातें करते हैं कि देश अच्छे की तरफ जा रहा है या देश बुरे की तरफ जा रहा है, तो एक्चुअली क्या चीज़ है जो अच्छी हो रही है, क्या चीज़ है जो बुरी हो रही है। इस चीज़ का आइडिया आपको लगना शुरू होगा जब आपको ये क्लियर होगा कि एक्चुअली देश होता क्या है, इसे कहते किस मैकेनिज्म को कहते हैं। तो इस नोट के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये देश बने कैसे। तो आज के वक्त में हमें ये पूरी दुनिया ऐसी नज़र आती है कि हम इंसानों ने हमारी पूरी दुनिया में अलग अलग देश बना लिए हैं। और अगर एक जनरल सेंस में देखा जाए उन इलाकों के बारे में जिन इलाकों को हम वाकई में एक देश कह सकते हैं, तो ऐसे जितने भी अलग अलग देश हैं, हर देश की अपनी अपनी पार्लियामेंट होती है, जिस पार्लियामेंट से पूरे देश भर के फैसले किए जाते हैं, और जो जितने भी देश भर के लोग हैं वो अपने अपने चुने हुए लोगों को भेजते हैं इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनने के लिए। हर देश की अपनी अपनी सरकार होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनके मिनिस्टर्स होते हैं, और ये सरकारें वक्त वक्त पे बदलते रहती हैं। हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान होता है जिसमें उस देश के लोगों के हक और अधिकार लिखे होते हैं। हर देश में अपनी अपनी अदालतों का सिस्टम होता है, हर देश के अपने अपने मीडिया चैनल्स होते हैं, हर देश की अपनी अपनी इकॉनमी होती है। पूरे देश में चाहे जितने भी अलग अलग धर्मों के लोग हों, अलग अलग कल्चर्स या बोली भाषा बोलने वाले लोग हों, सभी लोगों का भगवान एक ही पैसा है। अगर वो पैसा अगर डाउन हुआ तो सभी की जिंदगी नरक होनी है, भले चाहे कुछ भी हो। हर देश के अपने अपने झंडे हैं, हर देश के अपने अपने नेशनल एंथम हैं, और दुनिया में जितने भी अलग अलग देश हैं, हर देश में अपने इतिहास को याद किया जाता है, उनकी जो अपनी अपनी पुरानी सिविलाइजेशंस रही हैं उन सिविलाइजेशंस को याद किया जाता है, इतिहास में जो बड़े बड़े राजा लोग हुए हैं उन सबको याद किया जाता है, पुराने पुराने सेंट्स, प्रॉफिट्स, ऐसे लोगों को याद किया जाता है, जितने फिलोसोफर्स या पोएट्स रहे हैं उन सब लोग को याद किया जाता है। और अगर हजारों सालों का इतिहास देखा जाए तो दुनिया में शायद ही कोई एक ऐसी जगह होगी, शायद ही कोई जगह हो जहां पे बाहर के लोगों ने आके हमला ना किया हो, क्योंकि हजारों सालों से दुनिया का ये रिवाज रहा है कि लोग सिर्फ एक दूसरे पे हमला करते थे, साम्राज्य बढ़ाते थे, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं बची होगी। तो हर जगह ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने लड़ाइयां करी उन साम्राज्यों से, तो उन रेवोल्यूशनरीज को याद किया जाता है, आज़ादी की लड़ाइयां जो चली हैं उन लोगों को याद किया जाता है, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिन लोगों ने बलिदान दिया है, ऐसे मार्टियर्स को याद किया जाता है। और सबसे खास चीज़, जो अलग अलग फाउंडर्स ऑफ नेशन रहे हैं उनको भी बहुत याद किया जाता है। इसके अलावा जितने भी अलग अलग देश हैं, हर देश में जो स्कूल्स होते हैं उसमें अगली आने वाली पीढ़ियों को कुछ कॉमन लैंग्वेज ज़रूर सिखाई जाती है, जिससे कि कम से कम कोई एक भाषा हो जिस भाषा में पूरे देश के लोग आपस में बात कर सकें। अब जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, फ्रांस का जो इलाका है, जब वो देश नहीं बना था
तो उस टाइम पे वहाँ अलग अलग कल्चर के लोग थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे, और सिर्फ जो रूलिंग क्लास के लोग थे, यानी कि जो राजशाही के लोग हैं या फिर जो चर्च से जुड़े लोग हैं, सिर्फ रूलिंग क्लास के कुछ मुट्ठी भर चुनिंदा लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। फ्रांस जब देश बना तो अब उनको ज़रूरत महसूस हुई कोई एक ऐसी भाषा जिसमें सब लोग बात कर सकें। उन्होंने चुना फ्रेंच भाषा को, वो भाषा जो पहले राजा महाराजा बोलते थे, वो भाषा अब चुनी गई आम जनता के लिए, और आम जनता के जितने सब नई पीढ़ियाँ आई उन्हें फ्रेंच बचपन से सिखाई गई। तो वक्त के साथ फ्रांस में अब फ्रेंच भाषा हर किसी को आती है, किसी को कोई दूसरी भाषा आती हो चाहे ना आती हो। तो इस तरीके से कॉमन लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं जो लोकल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे काम आ सकें। और हर देश में अपनी अपनी पेट्रियाटिक फिल्म्स बनती हैं जो उनके इतिहास के बड़े बड़े इवेंटफुल मोमेंट्स से उनको याद किया जाता है। और एक और कड़वी सच्चाई बताता हूँ, हमारी दुनिया में जितने भी अलग अलग देश हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके हाथों में खून लगा है और जिन्होंने बहुत अत्याचार किए हैं लोगों पे, भले दूसरे लोगों पे चाहे अपने ही लोगों पे। लेकिन कोई भी देश अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ये पेट्रियोटिक फिल्म ज़रूर दिखाते हैं लेकिन वो काले कारनामे नहीं बताते, छुपा ले जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, अब जैसे यूरोपियन जो इलाके थे उनका पूरा साम्राज्य था दुनिया में और इन्होंने एक से एक अत्याचार किए दुनिया में, लूट मारा है दुनिया को, उनके हक अधिकार छीन लिए थे। लेकिन यूरोप में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बचपन से कभी ये चीज़ें नहीं बताई जाती कि उनके पूर्वजों ने क्या क्या अत्याचार किए दुनिया पे, इन सब चीज़ों को छिपा लिया जाता है। तो इस तरीके से ऐसे एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। तो खैर, अब ये जो देश होते हैं, हम इंसान जब हमारी अर्थ में पैदा होते हैं तो हमारी पहचानों के साथ ये जो नेशनल आइडेंटिटी होती है, यानी कि जो देश की पहचान होती है, ये बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है। अब जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, यूएसए के लोग अगर यूएसए के किसी बॉक्सर को लड़ाई करते देखें किसी बड़े इवेंट में और यूएसए का बॉक्सर जीत रहा हो तो यूएसए के लोग इतने खुश हो जाएंगे, इतने मज़े में हो जाएंगे कि जैसे कि वो जीत रहे हों, कि वो जो इनामी राशि मिलेगी वो जैसे इनको मिल रही है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा लेकिन फिर भी उन्हें खुशी क्यों हो रही है? और वो बॉक्सर अगर हारने लग रहा है, मार खा रहा है, तो दर्द उन लोगों को हो रहा है जो वो मैच देख रहे हैं। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं उनके पर्सनालिटी में, उनके फिजिक में, उनके माइंड में, साइकी में ये चीज़ बस गई, एक जुड़ाव बस गया है, एक आइडेंटिटी बस गई है उनके अंदर। तो ये जो चीज़ है नेशनल आइडेंटिटी, ये हम इंसानों का एक हिस्सा बन जाती है। और एक्चुअली होता ये है कि हम इंसान जब छोटे होते हैं तो बचपन से ही बड़े होते होते हम अलग अलग आइडेंटिटी लेते रहते हैं और हमारी जो पहचान बनते रहती है उस पहचान के मुताबिक ही हम सोच विचार करते हैं और तमाम तरह के काम करते हैं। तो हम कौन सी पहचान लेते हैं ये डिपेंड करता है। तो होता ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं और बड़े हो रहे होते हैं तो इंसान जहाँ जहाँ जिन भी जगहों में रहते हैं और जिन भी लोगों से मिलते हैं हर किसी से अटैचमेंट होता चला जाता है। और बचपन में जब उन्हें बताया जाता है कि अच्छा ये सब जितने भी इलाके हैं और जितने भी लोग हैं ये सब इस देश का हिस्सा हैं, तो उन लोगों को, उन इंसानों को जितना अटैचमेंट उन जगहों से होता है, उन पुराने वक्त से होता है, उन लोगों से होता है, वो पूरा का पूरा अटैचमेंट रीडायरेक्ट होता है देश के लिए। और जो भी उन्हें देश दिखा दिया जाएगा बचपन से वो देश का उनकी एक आइडेंटिटी बन जाएगा। और उस देश के जो प्रतीक हैं, जो उस देश का झंडा है, उस देश का जो एंथम है, हर चीज़ उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। वही धुन है लेकिन यूएसए के लोग जब उसे सुनेंगे तो उनके शरीर में जैसे बिजली दौड़ जाएगी, लेकिन वही धुन हम सुनेंगे हमें कुछ नहीं होगा। जब हमारा एंथम बजेगा तो हमारे शरीर में बिजली दौड़ जाएगी, यूएसए या अफ्रीका के लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो नेशनल आइडेंटिटी है ये हम इंसानों की आइडेंटिटी बन जाती है। तो ये देश बेसिकली एक तरीका है जिस तरीके से हम इंसानों ने अपने पूरे समाज को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना शुरू कर दिया और फिर ये ग्रुप्स बनते चले गए। और ये ग्रुप्स, जिन ग्रुप्स को हम देश कहते हैं, ये ग्रुप आज भी बनते जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आज से 30 साल पहले एक देश हुआ करता था जिसका नाम था यूगोस्लाविया। ये पूरा का पूरा देश
ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य से अलग हुआ था, उनसे लड़ाई करके अलग हुए थे कि हम सदर्न स्लाव्स हैं तो हमें अलग देश चाहिए, और ये ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य से अलग हुए। जब ये अलग हुए तो अब इनके अपने अंदर भी अलग अलग कल्चर्स के लोग थे, इनके बीच में लड़ाई शुरू हुई, ताकत किसकी होगी, और ये एक बैलेंस सिस्टम बना नहीं पा रहे थे, तो इवेंचुअली एक एक करके फिर से लोग अलग होने लगे इनसे, और वो जो देश था युगोस्लाविया उससे देश अलग होने लग गए, और एक टाइम पे आने के बाद युगोस्लाविया खत्म हो गया ये देश, और इस देश की जगह अलग अलग देश बन गए, जो था स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया, ये छह अलग अलग देश बन गए। और अगर सबसे हाल में जो देश देखा जाए जो बना है, साल 2011 में एक नया देश बना साउथ सूडान, और साउथ सूडान के बनने के बाद फिर से एक नया देश बना जिसका नाम था कोसोवो। अब ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य से अलग हुआ युगोस्लाविया, युगोस्लाविया से अलग हुआ सर्बिया, सर्बिया के अंदर भी एक इलाका आ गया जिसने कह दिया कि हमारा कल्चर अलग है और हमें अलग देश बनाना है, और सर्बिया के अंदर फिर एक देश बना कोसोवो। और कोसोवो, ये जब इन्होंने खुद को देश बना दिया तो कई सारे ऐसे देश हैं जो कोसोवो को देश मानते हैं, और कई सारे देश कोसोवो को आज भी देश नहीं मानते हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है, और भविष्य में भी हो सकता है नए नए हमें देश देखने को मिल जाएं। जैसे एक एग्जाम्पल है कैटलोनिया, स्पेन का जितना इलाका है, आज के टाइम पे जो स्पेन देश है उसमें अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, तो एक ही कल्चर है कैटलोनिया, इनकी बोली भाषा अलग है, इनका रहन सहन अलग है, और कैटलोनिया स्पेन की एक काफ़ी रिच प्रोविंस है, तो यहाँ के लोगों को लगता है जब हमारा कल्चर और हर चीज़ स्पेन के मेनस्ट्रीम स्पेन के लोगों से अलग है तो हमें अपना अलग देश बना लेना चाहिए, और हम अगर अलग देश हो गए तो हम क्योंकि ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं तो हम ज़्यादा बेहतर काम होगा डेवलपमेंट का हमारे कैटलोनिया में। तो एक रेफरेंडम कराया गया कि क्या कैटलोनिया को अलग देश होना चाहिए, और ज़्यादातर लोग इसमें मान गए कि हाँ कैटलोनिया को स्पेन से अलग होकर एक अलग देश बनाना चाहिए। तो क्या पता भविष्य में ऐसे अलग अलग देश आ जाएं। एक और एग्जाम्पल है स्कॉटलैंड का, अगर आप द ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो एक्चुअली वहाँ चार राज खानदान हुआ करते थे, एक इंग्लैंड का, एक वेल्स का, एक आयरलैंड का, एक स्कॉटलैंड का। अब जो इंग्लैंड का राज खानदान था ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो इन्होंने स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड इन सब राज खानदानों को हरा दिया, अपने अंडर ले लिया, और इस पूरे इलाके को एक देश बना दिया, जिस देश को अब क्योंकि ब्रिटेन जो इंग्लैंड था एक्चुअली वो छोटा था, इन सब को मिला के वो बड़ा हो गया, तो अब उसे बिगर ब्रिटेन कह सकते हैं या फिर उसे द ग्रेट ब्रिटेन भी कह सकते हैं कि अब वो एक बड़े लेवल पे है। तो अब स्कॉटलैंड उनसे अलग होना चाह रहा है, आयरलैंड तो अलग हो ही चुका है, तो ये भी चल रहा है कि अब तक आगे के भविष्य में स्कॉटलैंड अलग हो जाए, फिलहाल तो ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड को अपनी एक अलग पार्लियामेंट तक दे दी है। तो ये जो देश हैं, ये पूरा सिस्टम इनका चल रहा है दुनिया में, और ये जो देश हैं ये बहुत रीसेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि बहुत हाल ही के टाइम में, इतिहास अगर इंसानों का इतिहास देखें हजारों साल का तो बहुत हाल के टाइम में ये देश बने हैं। आज से अगर आप सिर्फ 200 साल पहले की दुनिया देख लें तो आज से 200 साल पहले पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जिसको आप कायदे से एक देश कह सकें। उस टाइम पे पूरी दुनिया में साम्राज्य हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के राज हुआ करते थे। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आज के वक्त में जहाँ फ्रांस का देश है, आज से 200 साल पहले यहाँ देश नहीं था फ्रांस का, यहाँ पे एक साम्राज्य था जहाँ पे राज हुआ करता था बर्बन खानदान के राजाओं का। बर्बन खानदान का कोई आदमी राजा बनता था, उसके मरने के बाद बर्बन खानदान का ही कोई दूसरा आदमी राजा बनता था, और इस तरीके से बर्बन खानदान का राज था और जो रोमन कैथोलिक चर्च है इनका राज था, यानी कि फ्रांस की करीब आधी जमीन बर्बन खानदान के पास थी और आधी जमीन चर्च के पास थी, और इन लोगों का राज हुआ करता था, और बाकी जितने लोग थे इनके राजशाही और चर्च को हटा के जितने बाकी लोग थे वो सब प्रजा थी। अब ये राजा और प्रजा क्या होता है ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। और आज के टाइम पे जहाँ जर्मनी देश है, 200 साल पहले जर्मनी देश नहीं हुआ करता था, यहाँ पे होली रोमन साम्राज्य हुआ करता था, इसका भी एक राजघराना था, और यहाँ पे भी ऑब्वियसली चर्च का राज यहाँ पे भी था होली रोमन साम्राज्य में।
आज से करीब 200 साल पहले की बात है, एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था नेपोलियन। नेपोलियन ने हमला किया होली रोमन साम्राज्य पे, इनको हरा दिया, तो होली रोमन साम्राज्य टूट गया और जितना भी रोमन साम्राज्य था आसपास के इलाके थे, यहाँ 39 अलग अलग छोटे छोटे राज्य बन गए जिनको जर्मन कन्फेडरेशन कहा गया, क्योंकि हर कोई जर्मन कल्चर के थे और जर्मन भाषा बोलते थे। लेकिन डिफरेंसेस बहुत थे फिर भी, क्योंकि जर्मन एक कल्चर है, जर्मन कल्चर अपने आप में एक यूनिफाइंग बॉन्ड है, लेकिन जर्मन कल्चर का आदमी क्रिश्चियन भी हो सकता है, जर्मन कल्चर का आदमी यहूदी भी हो सकता है, जर्मन कल्चर का आदमी मुस्लिम भी हो सकता है, जर्मन कल्चर का आदमी, अब आप किस नज़र से देख रहे हैं तो जर्मन कल्चर का ही आदमी कितना अलग अलग हो सकता है। तो इस तरीके से जर्मनी था। आज के टाइम में जहाँ पे ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया ऐसे अलग अलग देश हैं, 200 साल पहले ये देश नहीं हुआ करते थे। यहाँ पे एक साम्राज्य था जहाँ पे हैब्सबर्ग खानदान के लोगों का राज हुआ करता था और इस साम्राज्य को कहते थे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। आज के टाइम पे जहाँ ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया ऐसे जितने पूरे देश हैं, ये देश नहीं हुआ करते थे, 200 साल पहले यहाँ ऑटोमान सुल्तान्स का राज हुआ करता था। और जाहिर सी बात है, जो अब क्योंकि ऑटोमान साम्राज्य इस्लाम धर्म का था, तो इस्लाम के जो हेड ऑफ रिलीजन है उन लोगों का भी राज हुआ करता था, जैसे यहाँ पे चर्च का राज था। इसी तरीके से आज के टाइम में जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, ये सब अलग अलग देश हैं, यहाँ पूरे इलाके में ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करता था। तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि सिर्फ 200 साल पहले दुनिया इतनी ज़्यादा अलग हुआ करती थी, तो ऐसा क्या हुआ कि 200 सालों के अंदर इतने अलग अलग देश बनते चले गए? तो उसकी वजह ये है कि आज से 300 साल पहले यानी कि 1700s के टाइम पे फ्रांस और फ्रांस के आसपास के जो इलाके हैं, यानी कि खास तौर पे जो वेस्टर्न यूरोप वाला इलाका है, वहाँ एक आंदोलन होना शुरू हुआ। और आंदोलन ये था कि जितने भी गरीब लोग थे, जितने भी आम लोग थे, वो सब मिलने लगे और उन सब लोगों के अंदर एक ये ख्याल था कि हम सब गरीब लोगों को मिलके अपना एक देश बनाना चाहिए। और इस ख्याल को, इस आंदोलन को कहा गया नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद। और ये जो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का ख्याल था, ये फ्रांस से बढ़ के फिर अलग अलग हिस्सों में चलना शुरू हुआ और मजबूत होना शुरू हुआ। और जो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, उन्होंने लड़ाई करी है इन साम्राज्यों से और अपने अपने देश अलग करने शुरू किए। सबसे पहले फ्रांस एक देश बना, फ्रांस के बाद फिर और भी अलग अलग देश बनने शुरू हुए, जैसे जर्मनी, इटली, अलग अलग देश बने वेस्टर्न यूरोप में। और फिर उसके बाद ये नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का ख्याल पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा। तो अब ये दिमाग में आपके ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि अच्छा फ़र्क क्या होता है, कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दुनिया के सबसे पहले देश का, फ्रांस का, कि क्या फ़र्क होता किसी की ज़िंदगी में अगर वो फ्रांस के उस इलाके में पैदा होता जब फ्रांस का साम्राज्य था, यानी कि बर्बन साम्राज्य में अगर कोई पैदा होता तो उसे क्या देखने को मिलता, क्या चीज़ उसकी मिसिंग होती लाइफ से, जिसके नतीजे में ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग डेवलप हुई और फिर ये फ्रांस एक देश बना और फिर इसके बाद बाकी पूरी दुनिया में देश बनने का सिस्टम शुरू हुआ। तो ऐसा क्या मिसिंग था, इस चीज़ को देखने के लिए इमेजिन करते हैं कि आप पैदा होते हैं आज से 500 साल पहले उस इलाके में, जिस इलाके में आज फ्रांस का देश है। लेकिन आज से 500 साल पहले फ्रांस का देश नहीं था, उस टाइम पे बर्बन खानदान का राज था, साम्राज्य था, तो आपकी जिंदगी कैसी होती? तो अब आप पैदा हुए हैं जिस जगह पे, इस जगह के राजा हैं लुई द 12th और ये बर्बन खानदान के राजा हैं। और ये जितना पूरा इलाका आपको नजर आता है, ये पूरे के पूरे इलाका इन राजा का साम्राज्य है, यानी कि ये पूरा इलाका लुई द 12th का साम्राज्य है। अब इसका क्या मतलब, ये जितनी ज़मीन है, जितना पानी है और ये जितनी हवा है, ये हर चीज़ लुई द 12th की है। और आप क्योंकि यहाँ पैदा हो गए हैं, आप यहाँ इस ज़मीन से निकला हुआ अनाज खा के आप ज़िंदा हैं, इस हवा में सांस लेके ज़िंदा हैं, आप इस जगह का पानी पी रहे हैं, तो आप लुई द 12th की जितना साम्राज्य है उस साम्राज्य का यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से आप
और आपकी जिंदगी हर चीज लुई द ट्वेल्थ की है। आप पैदा हो गए साम्राज्य में तो आप संपत्ति हैं लुई द ट्वेल्थ की, और इस वजह से आपका बचपन से हमेशा से कर्तव्य है कि वो आपके राजा हैं, आप उन्हें राजा मानिए और उनकी हर चीज मानते रहिए, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा होने दिया, आपको जीने दिया अपने साम्राज्य में, क्योंकि अब वो आप पे एहसान कर रहे हैं कि आप उनके साम्राज्य में पैदा हो गए, उनके साम्राज्य की हवा में आप सांस ले रहे हैं, उनके साम्राज्य की जमीन से आप निकला हुआ अनाज खा रहे हैं, तो आप लुई द ट्वेल्थ की दया पे आप जिंदा हैं। तो इस वजह से हमेशा इस चीज को मानिए कि वो आपके राजा हैं और आप उनकी प्रजा हैं। तो अब आप पैदा हुए हैं लुई द ट्वेल्थ के साम्राज्य में, तो ये सिस्टम ध्यान में रखिएगा। ये सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम है राजाओं का और प्रजा का, यानी कि किंग्स एंड सब्जेक्ट्स। और अब इसके बाद जरा देखते हैं होता क्या था। ये हम बात करें 1500s के आसपास की, तो 1500s के आसपास, अब उस टाइम पे दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, शहर नहीं बने थे, उस टाइम पे रूरल इकोनॉमीज हुआ करती थी, यानी कि सिर्फ गांव देहात हुआ करते थे ज़्यादातर, और गांव देहातों में भी ज़्यादातर लोग खेती किसानी किया करते थे। थोड़े बहुत कुछ लोग होते थे वो आर्टिजन्स होते थे, जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई जो अलग अलग तरह के काम होते हैं, ज़्यादातर लोग खेती किसानी करते थे। और उस टाइम पे होता ये था कि जितने भी गांव हैं उनमें पूरी की पूरी ज़मीन जो होती थी वो होती थी राजशाही के लोगों की या फिर चर्च के लोगों की, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे कहते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो जिसे आप संपत्ति कह सकते हो, जिस चीज से कुछ खाने लायक या पैसा कमाने लायक निकल सकता है। तो उस जमाने में कोई इंडस्ट्रीज नहीं थे, तो मींस ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ जमीन थी। और उस टाइम का समाज, ये मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ कुछ लोग थे, 10% लोग भी नहीं थे अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए। तो एक वर्ग था राजा और राजशाही के लोगों का, जिन्हें नोबिलिटी कहते थे, इनके पास सारी जमीनें हुआ करती थी, इनका राज था। और दूसरी तरफ थे चर्च के लोग, जिन्हें क्लर्जी कहा करते थे। तो ये दोनों लोगों के पास सारे मींस ऑफ प्रोडक्शन थे, सारी जमीनें इनकी हुआ करती थी, पूरे के पूरे गांव इनके हुआ करते थे, और ये लोग थे रूलिंग क्लास, इन लोगों का राज हुआ करता था। और सब लोगों को अब खेती किसानी करनी, लेकिन जमीन नहीं है, तो उन लोगों को इन लोगों की जमीन पे खेती किसानी करनी पड़ती थी। सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत करते थे साल भर, और उस खेत से जितना भी अनाज निकलता था सारा का सारा अनाज ये राजा लोग या चर्च के लोग ले जाते थे, और इन असल में जिन्होंने मेहनत करी है उन्हें सिर्फ थोड़ा सा खाना मिलता था कि वो बस जैसे तैसे जी सकें। तो ये सिस्टम होता था, एक तरफ रूलिंग क्लास और दूसरी तरफ 90% लोग होते थे जो आम जनता होती थी, जिन्हें आप वर्किंग क्लास भी कह सकते हैं। और जब आप पैदा होंगे तो आप बचपन से एक चीज देखेंगे कि आपके माँ बाप गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं, और उनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई मींस ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, पैसा कमाने का या अनाज खरीदने का कोई जरिया ही नहीं है। तो मजबूरन आपके माँ बाप को काम करना पड़ता है उन बड़े बड़े सेठ लोगों के यहाँ, उनके ज़मीनों में, और जितना जी तोड़ मेहनत करके वो काम करते हैं, जितना अनाज निकलता है वो सब के सब सेठ लोग ले जाते हैं। अब जब आप थोड़ा थोड़ा सा बड़े हो रहे होंगे तो आपको बताया जाएगा भगवान के बारे में, और हर इंसान की फितरत होती है कि उसे भगवान से बहुत अटैचमेंट होता है कि अच्छा ये जो दुनिया है, इतनी प्यारी खूबसूरत सी दुनिया है, किसी ने तो बनाया होगा, कोई तो होगा जिसने बनाया है, और क्यों बनाया है। तो हर किसी को अटैचमेंट होता है, और हर इंसान के अंदर इतना डर होता है, इतना इनसिक्योरिटी होती है, खासतौर पे जब इंसान गरीब हो, जब उसे ज़िंदगी और मौत दिखाई दे रही होती है कि अगर खाना ख़त्म हो गया, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, तो कोई एक ऐसी ताकत आपको चाहिए होती है जिस ताकत पे आप भरोसा कर सको कि नहीं, कोई है जो मेरी प्रार्थना सुन लेगा, जो मुझे बचा लेगा, मेरे परिवार को बचा लेगा। तो ये इंसानों के अंदर इनहेरेंट होता है भगवान से अटैचमेंट। तो जब आप बड़े हो रहे होंगे तब आपको बताया जाएगा भगवान के बारे में कि भगवान ने इस पूरी दुनिया को बनाया है, आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया जाएगा। तो आप बचपन से जब ये चीज़ सुनेंगे
तो जो भगवान का जो अटैचमेंट होता है कि कोई ताकत है आपके आसपास महसूस होती है जिससे आप प्रार्थना करते हो, वो पूरा का पूरा अटैचमेंट रीडायरेक्ट होगा जीसस क्राइस्ट की तरफ और क्रिश्चियनिटी की तरफ, और आप मानने लगोगे उस भगवान को, जीसस क्राइस्ट को। ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताई जाएगी कि ये पूरी की पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, तो आपका कर्तव्य है कि आप भगवान की सेवा करो। ये भी ठीक। उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि अच्छा, ये जो भगवान है उन्होंने इस पूरी दुनिया को बना दिया, फिर जीसस क्राइस्ट को भेजा, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया जाएगा कि जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया और फिर वो चले गए। और अब खास बात अब यहाँ है, अब उस भगवान ने इन राजाओं को भेजा है और इन चर्च के लोगों को भेजा है जिससे कि वो इस दुनिया में राज कर सकें, और आपको भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान तो फिलहाल तो है नहीं, तो आप इन राजाओं की सेवा करिए, आप इन चर्च के लोगों की सेवा करिए, ये लोग जो कुछ भी बोलते रहें आप इनकी बात मानते रहिए, आप इनके खेत खलिहानों में काम करिए, आप मतलब मरते कटते आप इनके घर वाले आपके भूखे मर जाएं, लेकिन आप इनकी बात मानते रहिए। तो ये चीज़ आपको बचपन से बताई जाएगी और बचपन से सिखाई जाएगी, तो आपके अंदर एक डर बैठना शुरू हो जाएगा और आप विश्वास करने लगोगे कि हम पैदा ही हुए हैं। आप वाकई में विश्वास करने लगोगे, क्योंकि इंसान ऐसी चीज़ है, जो चीज़ आप बचपन से उसे बताने लग जाओ विश्वास करने लग जाएगा। 100% लोग नहीं करते, लेकिन अच्छे खासे संख्या करने लग जाते हैं। तो होता यह है कि बचपन से आप ये मानने लग जाओगे कि हाँ, हम पैदा ही हुए हैं ऐसी जिंदगियां जीने के लिए, और ये जो हमारे राजा हैं, हमारे राजा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जो हमारे चर्च के लोग हैं इन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, इनकी ज़िंदगी ऐसी होती थी कि सबसे पहली बात, बहुत गरीब पैदा होते थे, गरीब ही रह जाते थे इनकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी। ज़िंदगी भर ये बहुत तकलीफ़ वाली ज़िंदगी देखते थे, बहुत पेनफुल लाइव्स देखते थे, और इनको ज़िंदगी भर बस एक चीज़ सिखाई जाती थी कि आपको जो कहा गया है आप बस मानिए, सुनिए, और ये जो रूलिंग क्लास के लोग हैं इनकी आप सेवा करते रहिए, आप बस इनको सर्व करते रहिए। और ये जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, इनकी ज़िंदगी हमेशा ऑन एज चलती थी, यानी कि अगर मान लीजिए किसी साल सूखा पड़ गया और खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है, तो न जाने कितनी बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि हजारों हजारों लाखों लाखों लोग भूख से मर गए। और उसी टाइम पे जब ये वर्किंग क्लास के लोग भूख से मर रहे होते थे, इन लोगों का जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, इनकी जिंदगियां बहुत अच्छे से चल रही होती थी, इनकी जिंदगियों में, इनकी अय्याशियों में कभी कोई कमी नहीं होती थी, और चाहे जितना सूखा पड़ जाए, चाहे कितनी बाढ़ आ जाए, इन लोगों की ज़िंदगी हमेशा सिक्योर रहती थी। और ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि भगवान ने इन लोगों को भेजा ही है यहाँ पे राज करने के लिए, अच्छी ज़िंदगियाँ देखने के लिए। तो इन लोगों के पास डिवाइन राइट है, यानी कि जो रूलिंग क्लास के लोग हैं इनके पास दैवीय अधिकार है कि इनकी जिंदगियां अच्छी होनी चाहिए, और इस चीज को कहा जाता है प्रिविलेज। प्रिविलेज का एक्चुअली में सेंस ये है कि जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है, आपके पास पहले से ही मींस ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि अगर रूलिंग क्लास में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो जिंदगी में कुछ करे चाहे ना करे, उसके पास इतनी जमीनें हैं कि उन जमीनों से जितना अनाज आएगा उसी से उसकी जिंदगी मस्त चलती रहेगी, उसे कुछ नहीं करेगा तब भी भूखा नहीं मरेगा और मस्त चलेगी जिंदगी। तो इस चीज को कहते हैं प्रिविलेज। और प्रिविलेज क्यों है? क्योंकि डिवाइन राइट है, यानी कि दैवीय तौर पे आपको अधिकार मिला हुआ है। और ये जितने वर्किंग क्लास के लोग थे, इनकी जिंदगी में जितना भी काम करते थे ये सब टैक्स में चला जाता था, मेहनत का कोई पैसा नहीं, सबका सब टैक्स में। और जबकि ये रूलिंग क्लास के लोग टैक्स नहीं दिया करते थे, तो ये पूरा सिस्टम चला करता था। और इसके बाद वर्किंग क्लास में अगर कोई आदमी ये चीज को नहीं मानता कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता और हमें अपना अधिकार चाहिए, और इनके खिलाफ कुछ बोलने लग जाए, तो ऐसे आदमी को सीधा पकड़ के मार दिया जाएगा। क्यों? अगर आप राजा के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो ये राजद्रोह है। तो अगर कुछ भी रेबेलियन हुआ, तो इस सिस्टम की खास बात क्या है कि कुछ भी अगर आपके खिलाफ कोई बोल रहा है तो ऐसे रिबेलियन को खत्म कर देना है।
और ये जो पूरा सिस्टम था, ये पूरा सिस्टम डर पे बेस्ड था और ताकत पे बेस्ड था। यानी कि एक तो आपको बचपन से डराया जाएगा कि आप पैदा ही हुए हो सेवा करने के लिए, और अगर आप राजाओं की सेवा नहीं करोगे, चर्च के लोगों की सेवा नहीं करोगे, इन पुजारियों की सेवा नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, और भगवान नाराज हो जाते हैं तो भूकंप आते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। उस टाइम पे मेडिकल साइंस ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो अक्सर ऐसा होता था लोगों की बहुत जल्दी जल्दी मौत होती थी। बच्चे पैदा होते थे और 4-5 साल की उम्र के नहीं हो पाते थे कि उनकी मौत हो जाती थी, तो लोगों की मौत बहुत हुआ करती थी। तो उस टाइम पे भूकंप आ गया तो भगवान नाराज है, कोई बच्चा मर गया तो भगवान नाराज है, कोई अपशगुन हो गया, कोई बुरी घटना हुई तो भगवान नाराज है। तो हर चीज डर के थ्रू ये काम चलता था, ये सिस्टम। और अगर डर के थ्रू नहीं चलेगा तो फिर ताकत के थ्रू चलेगा। कोई औरत अगर उल्टा सीधा बोलने लग गई तो उसे सीधा बोल दिया जाता था, ये औरत चुड़ैल है और इसने धर्म के खिलाफ बोला है। तो ब्लास्फेमी रूल्स होते थे, किसी को भी अगर रास्ते से हटाना है तो बस इतना बोल दो, इसने धर्म के खिलाफ कुछ बोला है, और बस उस आदमी को जिंदा जला दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ये सिस्टम हुआ करता था, और इस सिस्टम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर बहुत होता था। ऐसा एक चीज़ है, इंसान की फितरत है, किसी इंसान के पास जब ताकत बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है, तो वो इंसान और बुरा होते चले जाता है और ज़्यादा ख़राब होते चले जाता है, क्योंकि इंसान खुद को भगवान समझने लग जाता है। तो इस सिस्टम में ये सब चीज़ें होती थी, और ये सिस्टम बहुत बुरा सिस्टम था। लेकिन अब ये सिस्टम चलता आया हमेशा से, वक्त वक्त पे ऐसा होता था जब ये वर्किंग क्लास के लोग, जब इनको बहुत ही हाल बुरे हो जाते थे तो अलग अलग जगहों पे ये लड़ाई कर लेते थे रूलिंग क्लास के लोगों से, इनको मार देते थे, काट देते थे, इनको लूट लेते थे, लेकिन सिस्टम नहीं बदल पाता था। तो इतिहास अगर आप पढ़ें, अगर आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो आप ये देखेंगे हमेशा साइकिल्स चलते रहे इतिहास में। हर जगह अलग अलग जगहों के हिसाब से ये जो वर्किंग क्लास के लोग थे, इन्होंने लड़ाइयाँ करी हैं रूलिंग क्लास के लोगों से जब इनके हाल ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो अब यूरोप में ये किया गया कि अब सिस्टम कुछ बेहतर किया जाए जिससे कि बार बार ये लोग बगावत ना करें। तो अब सिस्टम क्या बनाया गया कि ये जो रूलिंग क्लास के लोग थे, इनकी पार्लियामेंट हुआ करती थी जहां पे मिल के ये सब लोग फैसले लिया करते थे। तो अब कहा गया कि पार्लियामेंट में एक तरफ ये राजशाही के लोग होंगे, दूसरी तरफ ये चर्च के लोग होंगे। फिर इम्प्रूवमेंट ये किया गया कि ये जो आम लोग हैं, इनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स को बैठने का मौका मिलेगा इस पार्लियामेंट में। तो इस पार्लियामेंट में तीनों जो वर्ग हैं समाज के, इनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ दिखाने का था, क्योंकि इन वर्किंग क्लास के जो चुने हुए लोग थे, उनके पास कुछ ताकत रहती ही नहीं थी। तो अब ये सिस्टम जब चलता रहा, वक्त आगे बढ़ते रहा, तो करते करते फिर वक्त आता है 1600 या 1700 के आसपास। अब इस टाइम पे आके 1700 के आसपास दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी, और हो ये रहा था कि कई लोग अलग अलग तरह के इन्वेंशंस कर रहे थे। जैसे कि कुछ लोग थे, उन्होंने टेलीस्कोप बना लिया था। अब वो टेलीस्कोप से रात में चांद, तारे, ये सब कुछ देखते थे, और ये आसमान देखते हुए उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा लगा कि ये जो बाइबल में जो लिखा है, जो चर्च के लोग बोलते हैं कि हमारी अर्थ बीच में है और बाकी सारे प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा सन बीच में है और बाकी सारे प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे हैं, और हमारी अर्थ भी सन के चारों तरफ घूम रही है। तो ऐसे अलग अलग बिल्कुल दिमाग हिलाने वाली चीज़ें इन लोगों ने पता करनी शुरू करी, और चर्च को कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू किया कि आप जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। चर्च के लोगों ने ऐसे लोगों को दबाना शुरू किया, डराना धमकाना शुरू किया कि आप पब्लिक में ऐसी बातें नहीं बोल सकते। कई लोगों को मार दिया चर्च ने। खैर, वक्त आगे बढ़ता रहा, एक आदमी ने एक नया इन्वेंशन किया, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बना दी, और इस इन्वेंशन ने बकायदा समझ लीजिए क्रांति आ गई दुनिया में। अब प्रिंटिंग प्रेस बन गया, उस टाइम पे पेपर थोड़ा सस्ता मिलता था, तो किताबें छपना शुरू हुई। किताबें छपना शुरू हुई तो हजारों साल पहले की किताबें, जो एंशियंट टेक्स्ट हुआ करते थे ग्रीक सिविलाइजेशन के, रोमन सिविलाइजेशन के, जो सोक्रेट्स और प्लेटो, बड़े बड़े फिलोसोफर्स की जो लिखी हुई किताबें हैं, वो सब किताबें प्रिंट होने लगी और हजारों हजारों कॉपीज बिकने लग गई। आम लोग खरीदने लगे, आम लोग पढ़ने लगे, जिन लोग को पढ़ना नहीं आता था आम लोग उन्हें पढ़ के बताने लगे।
तो अब ये सब चीजें डिफरेंस बन रहा था। बाइबल, भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, भगवान ने बाइबल लिखी, लेकिन 1700s के आसपास तक लोगों को पता ही नहीं था कि बाइबल में लिखा क्या है। ये जो चर्च के लोग बोलेंगे इसी को मानना पड़ेगा। और अगर गलती से उन लोगों को बाइबल मिल भी गई कहीं से, तो भी उन्हें बाइबल पढ़ना नहीं आता है। तो प्रिंटिंग प्रेस बन गई, तो बाइबल को अलग अलग भाषाओं में प्रिंट किया गया। तो अब जो आम लोग हैं उनके हाथ में बाइबल है, वो पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली बाइबल में लिखा क्या है और ये चर्च के लोग क्या बताते आए हमें आज तक। तो ऐसे चेंजेस होते रहे 1600s-1700s के आसपास। आपने ये चीज़ याद करिए, यूरोप के अलग अलग इलाकों से अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनीज पूरी दुनिया में पहुंची, तो पूरी दुनिया के बारे में उन्होंने यूरोप में जानना शुरू किया कि अच्छा ऐसे ऐसे भी इलाके हैं, ऐसी ऐसी भी दुनिया है, वहाँ पे ऐसे अलग अलग समाज हैं, अलग अलग धर्म हैं, उनके अलग अलग बिलीव्स हैं। तो लोगों का दिमाग खुलता जा रहा था। और 1600s-1700s के आसपास एक और बहुत बड़ा चेंज आ रहा था कि ये जो समाज था, इस समाज में एक मिडिल क्लास बनता जा रहा था। ऐसे लोग जो रूलिंग क्लास के नहीं हैं लेकिन वो गरीब भी नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, जो वकील लोग हैं, जो टीचर लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, नए नए काम आ रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था आहिस्ते से। और इस टाइम पे एक नई रूलिंग क्लास आ रही थी। नई रूलिंग क्लास यानी कि जो बिजनेसमैन लोग थे, ये नई रूलिंग क्लास थी। इन लोगों के पास ताकत आनी शुरू हुई थी, जिन लोगों ने ये एक जगह से सामान खरीद के दूसरी जगह बेचते थे, पैसा बढ़ते जा रहा था, इतना पैसा इनके पास आने लग गया था कि इन राजाओं से और चर्च के लोगों से ही मुकाबला कर सकते थे। और इन लोगों को ये चीज़ दिख रही थी कि आगे आने वाला जो वक्त है ये हम रूलिंग क्लास का है, जो बिजनेस क्लास का है, वो इन राजाओं या इन प्रीस्ट पुजारी लोगों का नहीं है। तो ऐसी मिडिल क्लास आ रही थी, मिडिल क्लास के साथ साथ एक नई रूलिंग क्लास आ रही थी, और ये नई रूलिंग क्लास पुरानी रूलिंग क्लास से अभी नीचे थी। तो अब इन सब चीज़ों के चलते कई सारे चेंजेस होते रहे समाज में। दुनिया अब उन पुराने बंदिशों में बंध के नहीं रह सकती थी, ये तो क्लियर था। 1700s के आसपास कई सारे एक से एक विचारक आए, कई सारे एक से एक फिलोसोफर्स आए, उन लोगों ने इस पूरे सिस्टम को देखा और इस पूरे सिस्टम को देख के फ्रॉड करार दिया। सबसे पहली बात तो ये कि हर इंसान बराबर है। अगर आप किसी भी इंसान को फिजिकली देखें या मेंटली देखें, साइकोलॉजिकली देखें, किसी भी सेंस में अगर आप साइंटिफिक स्टडी करें, तो सारे के सारे इंसान बराबर हैं। हर कल्चर एक जैसा है, हर धर्म में, हर कल्चर में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और ये सब एक यूनिफॉर्म सिस्टम है। ऐसा नहीं होता है कि भगवान ने कुछ लोगों को अलग से ये डिवाइन राइट दिया है, ये प्रिविलेजेस दी हैं, ऐसा नहीं होता है। ये बस इतनी सी बात है कि ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कुछ लोगों ने अपने हाथ में लेके रखे हैं, कंट्रोल करके रखे हैं, और बाकी लोगों को दबा के रखा है। जैसे ये लोग उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये लोग अपनी सेना भेज के सबको मरवा देते हैं। तो ये सिर्फ जोर जबरदस्ती से सिस्टम चल रहा है। और ये जो एक से एक थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, उनका एक और मानना था कि वो भगवान, जिस भगवान ने इस पूरी दुनिया को बनाया, इस पूरे यूनिवर्स को बनाया, उस भगवान को अगर आपको अच्छा महसूस कराना है, तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप 10% लोगों को सारे ऐशो आराम दें और जो 90% लोग हैं उनकी जिंदगी आप नरक करके रखें। तो ये बिल्कुल वैसी बात है कि आप भगवान को एक चम्मच कुछ अच्छा खिला रहे हो और उसके बाद 9 चम्मच आप कूड़ा करकट खिला रहे हो, ये वैसी बात हो गई। तो भगवान को ओवरऑल बहुत बुरा लगेगा। और इस चीज़ को अगर आपको बेहतर करना है, अगर वाकई भगवान को अच्छा महसूस कराना है, तो आप को जितने सारे इंसान हैं, आप सबकी जिंदगियां बेहतर करनी होंगी। जब सारे के सारे लोग अच्छा महसूस कर रहे होंगे, इंसानों के जैसे जी पाएंगे, तब जाके वो उस भगवान को अच्छा महसूस होगा कि पूरी दुनिया अच्छी चल रही है। तो अब कह तो दिया कि सारे लोगों की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, तो आप इस चीज का सिस्टम क्या बनाओगे, कि क्या सिस्टम बनाया जाए, इस चीज को कैसे सही किया जाए कि आगे आने वाले सैकड़ों हजारों सालों तक इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सके कि जितने इंसान हैं सबकी जिंदगियां बेहतर चल रही, सब लोगों को हक और अधिकार हैं, आज़ादी है जिंदगी जीने की, इंसानों के जैसे रहने की। तो सिस्टम का इम्प्रूवमेंट, इन लोगों ने ये सोचा कि ये जितना पूरा इलाका है
ये पूरा का पूरा इलाका अब किसी राजा का साम्राज्य नहीं होगा, ये पूरा का पूरा इलाका अब एक देश होगा। और ये जो देश है, देश किसी राजा या किसी चर्च के पुजारियों की जागीर नहीं है, देश जनता की जागीर है, वहां के जो लोग हैं उनकी जागीर है, और वहां के लोगों का एक भागीदारी है देश में, हिस्सेदारी है देश में। तो अब देश में प्रजा नहीं होगी, देश में होंगे वहां के नागरिक यानी कि सिटीजन्स। तो देश जो है, सबसे पहला जो फर्क है देश और साम्राज्य में, वो है मालिकाना हक का। साम्राज्य राजाओं के होते हैं और देश जनता का होता है। तो देश और देश के नागरिक, और देश में राज होगा नेशन स्टेट का। अब इस देश में किसी राजा का राज नहीं होगा, नेशन स्टेट का राज होगा, यानी कि यहीं के लोग का, यहां की जो पहचान है, यहां का कलेक्टिव, इन लोगों की जो पहचान है नेशन स्टेट, उसका राज होगा। इसके पास राज है, और राज को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये मैं डिनोट कर रहा हूं, दुनिया में इस तरीके से डिनोट नहीं करते, यहां समझाने के लिए किया। और ये जो नेशन स्टेट है, ये किसी राजा या किसी पुजारी के कहने से नहीं चलेगा, ये चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, यानी कि संविधान के मुताबिक। और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली चीज जो लिखी होगी वो होंगे जो जनता के जो हक और अधिकार हैं, यानी कि राइट्स ऑफ पीपल। और जनता, जितने भी आम जनता है, सबको अलग अलग तरह का अधिकार है, जैसे कि उन्हें जिंदगी जीने का अधिकार है। वो अब जब पैदा होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने किसी के एहसान पे जी रहे हैं, उन्हें जिंदगी जीने का अधिकार है, तो अब उनकी जिंदगी में आज़ादी होगी, उन्हें हर तरह से रहने की आज़ादी होगी, यानी कि वो जब पैदा होंगे तो वो पढ़ाई कर सकते हैं। अब कोई उन्हें मना नहीं करेगा कि तुम्हारे बाप ये नाली साफ करते हैं तो तुम्हें भी नाली साफ कर रहे हैं, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। अब कोई मना नहीं कर सकता कि कोई भी इंसान पढ़ाई कर सकता है, कोई भी इंसान कोई भी नौकरी कर सकता है, कोई समाज के लोग आके मना नहीं करेंगे कि तुम ये काम कैसे कर रहे हो, तुम वो काम करो। अब कोई भी आदमी कोई भी भाषा बोल सकता है, अब किसी आदमी की जबान नहीं काट दी जाएगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने ये भाषा बोल दी। तो इस तरीके से कोई भी आदमी कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है, कहीं पे भी रह सकता है, कोई समाज के लोग आके ये नहीं कह सकते कि तुम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते हो, या तुम बाहर किस जगह से यहाँ आ गए हो। कोई भी आदमी कहीं भी रह सकता है, कोई भी काम कर सकता है, किसी से भी प्यार कर सकता है, किसी से भी शादी कर सकता है, उसके पास हर तरह के हक और अधिकार हैं। और अपनी पूरी जिंदगी में हर आदमी को एक हक ये भी मिलेगा कि वो चुनेगा कि सरकार में कौन बैठेगा, देश की सरकार में कौन बैठेगा। और उस आदमी के पास, हर आदमी के पास इस चीज़ का भी हक है कि वो सरकार का काम अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो सरकार की बुराई कर सकता है, सरकार के खिलाफ बोल सकता है। क्योंकि अब ये राजशाही का सिस्टम नहीं है कि आपने राजा के खिलाफ बोल दिया तो राजा ने उठा के जेल में डाल दिया, अब ये नहीं चलेगा। अब आप सरकार का काम नहीं अच्छा लगा तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हो, ये भी आज़ादी है आपके पास। तो लाइफ, लिबर्टी और इक्वालिटी, यानी कि अब जो देश है, देश कहीं पे भी भेदभाव नहीं करेगा किसी भी कल्चर के लिहाज से, या भाषा के लिहाज से, या जेंडर के लिहाज से। पहले के ज़माने में ये होता था कि अगर इस सिस्टम में अगर आप लड़की बन के पैदा हो गए तो आपकी ज़िंदगी इतनी जहन्नुम है कि मैं उस टॉपिक में जाना नहीं चाह रहा हूँ। तो अब इक्वालिटी होगी कि अब आप औरत बन के भी पैदा हुए तब भी आप एक बार को इंसानों के जैसे जी सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हक और अधिकार बताए गए जितने भी नागरिक हैं, और अगर किसी भी नागरिक के हक और अधिकार छीने जाते हैं तो वो जितने भी लोग हैं वो सीधा बुला सकते हैं, पुलिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो पुलिस है, ये इस देश की पुलिस है, देश के राज की पुलिस है, और ये पुलिस के लोग आएंगे अगर, तो सामने भले किसी राजशाही के लोग खड़े हों, चाहे किसी चर्च के पुजारी के लोग खड़े हों, पुलिस वाले इनको उठा के सीधा पेश करेंगे अदालत में। अदालत यानी कि जुडिशियरी, ये जो देश का राज है, ये सबसे पहला स्टेप है जुडिशियरी, ये पहला राज का एक तमगा इनके पास है। और जुडिशियरी के पास इतनी ताकत है कि जो सरकार होगी, जिसके पास दरअसल में राज होगा, जुडिशियरी सरकार के नियम हटा सकती है, नियम बेहतर कर सकती है, कोई कानून
और जुडिशरी के पास इतनी ताकत है कि सरकार अगर कुछ गलत करे तो सरकार को डिसॉल्व कर सकती है जुडिशरी। इतनी ताकत दी गई है जुडिशरी को। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा था, यानी कि कुछ लोगों के पास सारी ताकत आ गई, तो अब पागलपन छा रहा है और वो कुछ भी पागलपन कर रहे हैं। तो अब जो ताकत है उसको तोड़ा जाएगा और एक बैलेंस दिया जाएगा। तो अब ये होगी जुडिशरी, जिसका काम होगा कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना। इसके अलावा संविधान में लिखा होगा लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो राज जिसके पास होगा, जिस सरकार है एक्चुअली, जिसके पास राज है, यहाँ पे हम लिखते हैं गवर्नमेंट, जिसके पास एक्चुअली वाला राज है, ये वाला राज कि एक्चुअल जिसके पास पावर है, इसकी लिमिट्स भी लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सरकार अब पागल राजाओं के जैसे काम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे राजा खराब थे, लेकिन इतिहास अगर आप देखें तो एक से एक पागल लोग जो मेंटली अनफिट थे किसी भी काम के लिए, ऐसे मेंटली अनफिट लोग राजा बने और पागलपन में उन्होंने क्या नहीं किया है। तो ऐसे लोग अब अपने मन मर्जी से, यहाँ पे सरकार में अगर कोई ऐसे पागल लोग आ गए कि वो कुछ भी करने लग जाएं, तो उनके लिमिट्स डिफाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि सरकार अब क्या नहीं कर सकती है, ये चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में काम भी बताए गए हैं कि सरकार को क्या काम करने हैं। और सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ है एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये दोनों ऐसी चीज़ हैं कि सरकार का काम है ही है, क्योंकि देश गरीब लोगों का है, गरीबों को सरकार की जरूरत है, इसी वजह से देश बनाया गया, इसी वजह से सरकार बनाई गई है। अगर हर किसी को अपने ही मर्जी से होता कि अपने खुद पैसा कमाओ, काबिल बनो तो खरीदो, तुम पढ़ाई भी खरीदो, तुम खाना भी खरीदो, तुम इलाज भी खरीदो, और अगर पैसा नहीं है तो ना पढ़ पाओ ना इलाज करा पाओ और मर जाओ, अगर यही करना होता तो राजशाही में तो हो ही रहा था। ये हजारों लाखों लोगों ने अपना खून बहाया, बलिदान दिया है, क्यों? इसी वजह से तो, कि देश बनाया जाए, सरकार बनाया जाए, तो सरकार उनको कम से कम पढ़ाई लिखाई दे सके और हेल्थ केयर दे सके, अस्पताल बनवा सके, उनकी जिंदगियों का ख्याल रख सके, बेसिक चीज शुरू कर सके, जिस चीज का इस्तेमाल करके लोग आगे बढ़ पाए। तो सरकार के काम क्या होंगे ये भी बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाली में है जुडिशरी। और ये जो सरकार बनेगी यूं ही नहीं बनेगी, पहले चुनाव होंगे और लोग डिसाइड करेंगे, लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर के पास अपनी पावर है, ये भी राज का एक हिस्सा है। लेजिस्लेचर में एक ग्रुप बनेगा जिस ग्रुप की मेजॉरिटी होगी, और वो ग्रुप फिर बनाएगा सरकार। और सरकार में भी यहाँ पे इस तरीके से किया गया है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होगी, वो भी सिर्फ 5 सालों के लिए। और इस तरह की कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, कभी पहली पार्टी चुनाव जीतेगी, कभी दूसरी, कभी तीसरी, तो यहाँ पे भी पावर शेयरिंग होता रहेगा, पावर कुछ लोगों के हाथ में नहीं सिमटेगी। और अगर इनकेस ऐसा होता है कि जो सरकार में लोग आ गए, क्योंकि एक चीज़ जो ताकत होती है, ताकत इंसान को पागल बनाने लगती है, कुछ भी करने लगता है इंसान उस ताकत को रिटेन करने के लिए, कोई आदमी के पास ताकत आ जाए वो कभी नहीं चाहेगा कि वो ताकत उससे जाए, तो इसके चलते वो कुछ भी पागलपन करेगा। तो ये राजाओं के इतिहास देख चुके हैं हर कोई। तो अब जो सरकार में लोग हैं, हो सकता है वो अपनी ताकत जमाने के लिए कि हमेशा हमारा राज रहे, वो देश के लोगों के खिलाफ ही काम करने लग जाएं। तो देश की सरकार अगर देश के लोगों के हक और अधिकार छीनने पे आ जाए, और देश की सरकार एंटी नेशन काम करने लग जाए, यानी कि देश का नुकसान करने लग जाए, तो उसके लिए जुडिशियरी है। जुडिशियरी जो है ये बचाएगी देश को, एक्चुअली आम लोगों के सुरक्षा के लिए जुडिशियरी आएगी, सरकार से बचाने के लिए। और अगर ये सरकार जुडिशियरी को तोड़ने लग जाए, तो इसके लिए राज का एक और हिस्सा है मीडिया, यानी कि अब एक्चुअली मीडिया के पास राज के दो हिस्से हैं, क्योंकि ये मीडिया ही एक्चुअली सेंस होता है पब्लिक का कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर चीज मीडिया बताएगा लोगों को, तब लोगों को पता चलेगा। तो अगर जो सरकार है वो जुडिशरी को तोड़ने लग जाए, जजों को मारने लग जाए, उनको धमकाने लग जाए, या उनको लालच देने लग जाए कि तुम हमारे हक में फैसले करो, हम तुम्हें बड़े फायदे देंगे, तो मीडिया का ये काम है कि मीडिया देश को बताए कि ये सरकार जुडिशरी के साथ ऐसा कर रही है, जुडिशरी को तोड़ रही है।
और अगर ये सरकार मीडिया को तोड़ने लग जाए तो यहाँ पे भी जुडिशरी सामने आएगा मीडिया को बचाने। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी गई है कि आम लोग एग्जाम देंगे जज बनने का या वकील बनने का, आम लोग ही जुडिशरी में जाएंगे, आम लोग ही मीडिया में जाएंगे, आम लोग ही चुनाव लड़ेंगे। तो एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनेगा और ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है कि अगर एक तरफ पागल लोग आ भी गए तब भी देश बरकरार रहेगा और हर हाल में हर किसी को ये जुडिशरी का हक मिलेगा, आम जनता को, और मीडिया का हक मिलेगा, यानी कि कोई भी आम जनता के लोग जुडिशरी में जा सकते हैं, मीडिया चैनल खोल सकते हैं, और ये एक वेल बैलेंस सिस्टम सोचा गया। अब इस सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे फ्लॉज जो बड़े फ्लॉज बन सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल बस ये है, सरकार किसकी बनेगी, जो इलेक्शन जीतेगा, विन इलेक्शंस। और इलेक्शन कौन जीतेगा, इलेक्शन जीतने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। अब जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा उसके पास बहुत एडवांटेज होगा इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये जो चीज है एक छोटा सा फ्लॉ है, और इसी तरीके से ऐसे ना जाने कितने फ्लॉज हैं, ये हम आगे बाद में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ये एक सिस्टम है, एक वेल बैलेंस सिस्टम। लेकिन ऐसा इतिहास में हुआ है, कितने ही देशों में हुआ है, जब लोग आए हैं ताकत में उन्होंने मीडिया को तोड़ा है, मीडिया के लोगों ने अब इन सरकार के लोगों की तारीफ करना शुरू किया कि ये तो बिल्कुल भगवान का अवतार हो गए हैं, ये हमारे देश को यही बचाएंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। और इन लोगों को वाकई फिर, क्योंकि मीडिया इतनी तारीफ कर रहा है इनकी, तो आम लोग भी मानने लग गए कि अच्छा ये आदमी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर सकता है। आम लोगों ने इनका सपोर्ट करना शुरू किया और इन लोगों ने फिर जुडिशरी को तोड़ दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दिया और एक से एक फिर कत्लेआम किया है। दुनिया में ऐसे बेशुमार केसेस हैं। तो ये भले ही बहुत अच्छा सिस्टम है लेकिन ये बहुत एक बैलेंस्ड और नाजुक सा सिस्टम है। ये सिस्टम अगर एक बार टूट जाए, एक बार अगर ऐसे लोग ताकत में आ जाए जिन्होंने जुडिशरी को तोड़ दिया या मीडिया को तोड़ दिया और सरकार से हटने से इनकार कर दे कि हम नहीं हट रहे, हम ही राज में रहेंगे, तो ये सिस्टम उसी टाइम क्रैश कर जाएगा, देश का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और वहां पे फिर अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, सिविल वॉर होने लग जाएगी। क्योंकि अब लोग चाहेंगे कि ये हटें लेकिन ये हटेंगे नहीं, आर्मी लगा देंगे, पुलिस लगा देंगे, जैसे ही प्रोटेस्ट होंगे लोगों को मारना शुरू कर देंगे। लोग डेमोक्रेसी के लिए कहते रहेंगे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए लेकिन होगा नहीं कुछ। तो ये सिस्टम एक बार टूट गया तो बहुत बुरा होगा, और ये सिस्टम अगर हाईजैक हो गया तो ये जो सरकार है ये देश के लिए काम करने के बजाय ये सरकार ये रूलिंग क्लास के लिए काम करने लग जाएगी। और ये सरकार अगर रूलिंग क्लास के लिए काम करने लग गई तो ये जितने हक अधिकार हैं लोगों की ये सब खो जाने हैं, खत्म हो जाने हैं। और फिर से वही टाइम आ जाएगा जब राजा हुआ करेंगे, समाज के 5-10% लोग, उनकी जिंदगी में ऐशो आराम होंगे, इतना पैसा, इतने ऐशो आराम कि उन्हें समझ में नहीं आएगा कि हम करें क्या। उनको पागलपन छाने लगेगा अपनी ताकत का, अपने पैसे का, और 90% लोग फिर से कीड़े मकोड़ों और जानवरों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएंगे अगर ऐसा ये सिस्टम टूट गया तो। और दुनिया में जितने भी देश हैं, जो देश टूट गए, ये सिस्टम टूट गया, आप उनका इतिहास देख सकते हैं, प्रेजेंटली आप उनको देख सकते हैं, वो देश एक फेल्ड नेशन बन के रह गए। ये जो सिस्टम बनाया गया, इस सिस्टम को कहा गया डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोस लोगों का राज है। और ये डेमोस का मतलब होता है ऐसे लोग जिन लोगों के पास जमीन नहीं हुआ करती थी उस जमाने में। तो यानी कि डेमोस गरीब लोगों को कहते हैं। तो गरीब लोगों का जब राज होगा, गरीब लोगों का जब राज होगा, ये ऐसा सिस्टम होगा, तभी गरीब लोगों का राज हो सकता है। और ये सिस्टम अगर टूट गया तो वापस से गरीब लोग, आम लोग फिर से प्रजा बन जाएंगे और उनकी ज़िंदगी बस इतनी हो जाएगी कि बस जैसे तैसे जियो, कुर्बानी करो, जिससे कि आपके राजा लोग सारे ऐशो आराम में जी सकें। तो अभी तक हमने ये देखा कि अब एक से एक थिंकर्स आए जिन्होंने ये मैकेनिज्म बताया कि अगर इस तरीके से हम देश बना दें तो पूरे इलाके में ये देश बन गया, अभी गरीबों का जहाँ राज है, गरीबों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। अगर पूरी दुनिया में ऐसे ही अलग अलग जगहों पे
गरीब लोग मिलके आंदोलन करें और अपने अपने देश बना लें पूरी दुनिया में, तो हमारी पूरी अर्थ में अचानक से इतना बड़ा रेवोल्यूशन होगा कि जितने इंसान हैं सबकी जिंदगियां बेहतर हो रही होंगी, गरीब लोग गरीबी से निकल रहे होंगे, जो सरकारें हैं उन देशों की उन गरीबों के लिए काम कर रही होंगी, तो पूरी अर्थ जो है हमारी वो एक बेहतर जगह बन जाएगी। तो इस वजह से वो 1700s का जो टाइम था उस टाइम को एज ऑफ एनलाइटमेंट कहा गया, यानी कि ये वो टाइम था जब इंसानों को वो एक ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने प्रैक्टिकल सेंस में उसे अप्लाई करने की कोशिश भी करी। अब इसके बाद हुआ क्या, 1700 से ये आइडिया शुरू हुआ था, वक्त के साथ अलग अलग देश बनने शुरू हुए और फिर न जाने क्या क्या हुआ क्या क्या हुआ, इन चीज़ों को हम अलग वीडियो में देखेंगे, मैं सीरीज़ बनाता रहूँगा इन वीडियोस की। फिलहाल हम देखते हैं कि जब ये नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद ये शुरू हुआ अलग अलग देश बनाना, तो क्या क्या हुआ और इतिहास से हम क्या क्या सबक ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इतिहास का एक सबक है देशों से रिलेटेड कि क्या हुआ, तो देश जो है, नेशंस आर बिल्ट ऑन ग्रेव्स ऑफ एम्पायर्स, जो देश हैं वो ऐसे साम्राज्यों की कब्रों पे बने हुए हैं, हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिए हैं, अपनी जान गंवाई है, जेलों में रहे हैं, न जाने क्या कुछ झेला है, तब जाके उन्होंने लड़ाइयां करी हैं राजाओं से, उन चर्च के पुजारियों से और जो अलग अलग धर्मों के जो पुजारी लोग हैं सबसे लड़ाइयां करी हैं, तब जाके देश बने हैं और तब जाके अधिकार मिले हैं जो आम लोगों को, गरीब लोगों को, और ये जो आज़ादी मिली है कि वो गरीब हैं लेकिन स्टिल उनके पास इतनी ताकत है कि वो वोट दे के फैसला करते हैं कि सरकार में कौन होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत लड़ने झगड़ने के बाद मिली हैं दुनिया के लोगों को। दुनिया का पहला सबक तो ये है इतिहास का। इसके बाद अब एक और चीज़, दूसरा सबक, अब जिन लोगों ने ये सोचा था कि अलग अलग देश बनेंगे, इंसानों की जिंदगियां बेहतर होंगी, गरीबों को हक और अधिकार मिलेंगे, तो उन्होंने ये सोचा था कि ये जो जितने अलग अलग देश बनेंगे, क्योंकि सब में एक चीज़ कॉमन है, जितने देश बन रहे हैं सबके सब गरीबों के देश हैं, तो जितने गरीब हैं एक दूसरे के, आम लोग हैं, ये सब आम लोग कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से, जिससे कि ये सब एक दूसरे की मदद कर सकें, जिससे कि सब देशों की सरकारें इन गरीबों के लिए काम करें। लेकिन हुआ दरअसल में ये हुआ सच्चाई में कि जब देश बनने लगे तो अब नेशनल आइडेंटिटी उन पर हावी हो गई। तो अब ये जो वाली जो कनेक्शन था कि पूरे जितने इलाके हैं सबके गरीब लोग मिलके अपने अपने देश बना लें, ये कनेक्शन टूटने लग गए। तो जो समाज कभी सोचा गया था कि अलग अलग इलाकों के लोग आपस में दोस्ती में रहेंगे, और ये जो रूलिंग क्लास है, क्योंकि रूलिंग क्लास जो था पूरे दुनिया में, रूलिंग क्लास सबका मिला हुआ रहता है, आज के वक्त में भी हमारे आज के टाइम के जो रूलिंग क्लास के लोग हैं वो किसी एक देश के नहीं, किसी एक एरिया के नहीं, वो सब मिले हुए रहते हैं, हमेशा मिलते जुलते रहते हैं। देश गरीब लोगों के लिए होते हैं, अमीर लोगों के लिए देश नहीं होते। अमीर लोगों का ये कहना, अमीर लोगों का एक देश नहीं होता, अमीर लोगों के लिए सभी देश हैं। उनका एक घर इस देश में, दूसरा घर इस देश में, वो जिस देश में जाके ज़िंदगी गुजारना चाहें गुजार सकते हैं, और हर देश के अमीर अमीर लोगों से उनकी दोस्ती होती है। तो रूलिंग क्लास के जो लोग हैं वो आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, और उस ज़माने में भी यही होता था। उस ज़माने में भी राजा महाराजा लोग आपस के राजघरानों में शादी करते थे, एक दूसरे को जानते पहचानते थे, और कभी फैमिली गैदरिंग्स होती थी तो ऐसा होता था कि जैसे क्वीन विक्टोरिया जो थी उनके यहाँ जब फैमिली गैदरिंग्स होती थी तो कहीं जर्मनी से लेके, रशिया से लेके, हंगरी, ऑटोमान, हर जगह से राजा महाराजा लोग पहुँचते थे, राजकुमार लोग पहुँचते थे, और सब एक दूसरे के कहीं ना कहीं रिलेशन में आते थे वो लोग। तो होता ये सोचा ही गया था जितने गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, एक दूसरे से दोस्ती रखेंगे और वो इस रूलिंग क्लास के खिलाफ एक संघर्ष में रहेंगे कि ये रूलिंग क्लास थोड़ा सा नॉर्मल हो और इन्हें मींस ऑफ प्रोडक्शन मिल सकें, इनकी जिंदगियां बेहतर हो सकें, और इनकी सरकार, इनकी पुलिस इन गरीबों के लिए काम करें, और ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में रहें। लेकिन जब ये देश बनने लग गए, अब जब ये अलग सब देश हो गए, तो अब होने ये लगा कि रूलिंग क्लास तो चलिए आज भी सेम है,
अब ब्रिटेन के गरीबों के खिलाफ अगर कोई कानून आएगा, ब्रिटेन के गरीबों के हाल खराब हैं, तो जर्मनी के गरीब लोग ये सोचेंगे कि अरे यार ब्रिटेन के हाल ब्रिटेन जाने। हिंदुस्तान में गरीबों पे जब आंच आएगी तो जर्मनी के लोग या ब्रिटेन के लोग हिंदुस्तान के गरीब लोगों को सोचेंगे अरे यार ये हिंदुस्तान का वो लोग जाने, और वहाँ पे होगा तो हम हिंदुस्तान के लोग सोचेंगे यार ये तो अंग्रेज़ लोगों का उनकी उनका देश है वो जाने। तो जब देश बनते चले गए तो एक्चुअली में जितना ये जो कॉमन बॉन्ड था, ये कॉमन बॉन्ड सारे गरीब लोगों का, ये टूटता चला गया। ये इतिहास का दूसरा सबक है। अब इसके बाद जब देश बन गए तो अब देश में राज किसका होगा? सरकार का। सरकार कौन बनाएगा? जो चुनाव जीतेगा। तो अब राज जो है वो किसी को भी मिल सकता है। तो पहले के ज़माने में राज सिर्फ राजाओं के पास होगा। राजा अगर मर गया तो राजा के खानदान का ही कोई दूसरा राजा बनेगा। यहाँ कोई भी आदमी राजा बन सकता है। तो यहाँ पे शुरू होता है राज किसका होगा और राज कैसे होगा, यानी कि अब देशों में शुरू होता है एडवेंट ऑफ पॉलिटिक्स। और ये जो चीज़ है, ये इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं और दुनिया में इससे बुरी चीज़ कोई नहीं। डिपेंड करता है ये चीज़ किसके हाथ में है। और एक और सबक इतिहास का क्या, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ताकत जिसके पास आती है वो आदमी बेईमान होता चला जाता है, उसके अंदर बुराइयां बढ़ते चली जाती हैं। और इसका उल्टा भी पूरी तरीके से सही है कि जो ताकत वाली पोजीशंस होती हैं ये अपने आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं जो लोग पहले से ही बहुत बुरे होते हैं, जो लोग सबसे ज्यादा बेईमान होते हैं, पापी होते हैं, घटिया लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की चाहत होती है कि हमारे पास ताकत हो, क्योंकि हमारे पास ताकत हो पाएगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे ऐसा वैसा। और यहाँ पे जब देश बन गए अलग अलग और इसके बाद के वक्त में जब चुनाव होने शुरू हुए, जब देश आगे बढ़े, तो होने ये लगा जितने अकलमंद लोग हैं, कायदे के अच्छे दिल के, अच्छे दिमाग के, अच्छी सोच के लोग हैं, सब के सब लोग या तो फिर इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ और बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं। और पॉलिटिक्स ये जो पेशा है, जो पेशा देश और दुनिया का फैसला करेगा, ये पेशा उन लोगों के हाथ में आ गया अगले के वक्त में, अगले ज़मानों में, जो लोग सिर्फ ताकत चाहते थे, सिर्फ पावर हंग्री लोग पॉलिटिक्स को परस्यू करते थे, वही चुनाव लड़ते थे, वही जीतते थे और फिर न जाने क्या क्या करते थे। अगर आप इतिहास खोल लीजिए आप सर पकड़ के बैठे रहेंगे कि ऐसा ऐसा क्या करते आए इंसान। तो खैर, अब शुरुआत हुई राजनीति की। देशों में होंगे चुनाव और चुनाव में पूरे समाज में एक तरफ है रूलिंग क्लास जिनके पास ज़्यादातर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। पहले के ज़माने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज़मीन हुआ करती थी, फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज़मीन के साथ साथ अब फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ये भी हो गए हैं। तो जिन लोगों के पास रूल्स, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हैं पूरे, जिनके पास एसेट्स हैं सारे, तो एक तरफ रूलिंग क्लास के लोग चाहते हैं कि जो सरकार बने वो सरकार उनसे छीने नहीं कुछ, उनका कुछ छीना ना जाए, जो ऐशो आराम, जो फैसिलिटीज उनको मिल रहे हैं हम उनको मिलते रहें। इनफैक्ट सरकार ऐसे कदम उठाए, ऐसे काम करे कि उनको और ज़्यादा फायदा हो। दूसरी तरफ है वर्किंग क्लास, जो काम करने वाले लोग हैं, इनके फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में काम करने वाले जो लोग हैं, जो इन लोगों के लिए नौकरियां करते हैं, तो वर्किंग क्लास के लोग चाहते हैं कि सरकार उनके लिए काम करे। तो एक्चुअली जो सरकार है उसको ये करना पड़ेगा, एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार किसकी बनेगी? जो चुनाव लड़ेगा जीतेगा। चुनाव जीतने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, और ये बहुत सारा पैसा, बहुत सारी ताकत आपको रूलिंग क्लास के समर्थन लिए बिना, यानी कि रूलिंग क्लास की मदद के बिना बहुत मुश्किल है। या फिर वर्किंग क्लास के अंदर इतना एंथुजियाज्म आ जाए, जो होता नहीं है, क्योंकि इतने जानकार होते ये तो फिर बात ही क्या होती, इतने कनेक्टेड नहीं होते। तो रूलिंग क्लास से आपको पैसा, पावर लेना पड़ेगा ही चुनाव जीतने के लिए। तो इसलिए आपको बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा कि थोड़ा रूलिंग क्लास का भी सुनो, थोड़ा वर्किंग क्लास का भी सुनो। और चुनाव जीतने के लिए आपको सिर्फ 30% या 35% वोट अगर आपको मिल गए तो आपकी सरकार बन सकती है। तो ये सिस्टम है। 30-35% वोट का क्या मतलब? अब
जब आप चुनाव में वोट देने जाएंगे कभी भी, तो आप देखते होंगे 20 लोगों की लिस्ट होगी। आप वोट किसे देंगे? एक ही आदमी को देंगे। उन 20 में से आप उसी आदमी को वोट दोगे जिस आदमी के कल आपने नाम सुना है या कभी देखा है या कुछ जानते हो। जिस आदमी का ना नाम सुना ना देखा ना कुछ नहीं जानते, उसको आप कभी वोट नहीं दोगे। तो एक्चुअली में 20 लोगों में से आप सिर्फ 3 या 4 या 5 लोगों को जान पाओगे जो बड़े लोग हैं, बाकियों को जो जान ही नहीं पाओगे। अब आपका पड़ोसी खड़ा हो गया हो, उसने बता दिया, वो अलग चीज़ है। तो अब ऑप्शन सिर्फ 4-5 लोगों का है। अब 4-5 लोग हैं, मान लीजिए किसी को 30% वोट मिला, किसी को 20% वोट मिला, फिर किसी को 25%, किसी को 25%। ये 4 पार्टीज हैं। तो सबसे ज़्यादा वोट मिला इस पार्टी को, ये जो पार्टी है, तो 30% ये सबसे ज़्यादा मिला। तो मान लीजिए कोई स्टेट है जहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके से सीट्स हैं, तो 30% वोट इस सीट में मिला, तो यहाँ पे इस पार्टी की सरकार हो गई। तो ऐसे ही पूरे की पूरी सीट्स इनके पास हो जाएंगी। तो अगर पूरे राज्य में 80 सीटें हैं तो 80 की 80 इस पार्टी को मिल गई। तो ये डेमोक्रेसी में हम लोग फॉलो करते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो एक बंदे के पास भले ही सिर्फ 30 लोगों ने कहा हो कि हमें इनकी सरकार चाहिए और 70 लोग ऐसे हों जिन्होंने कहा है कि हमें इनकी सरकार नहीं चाहिए, हमें कोई और चाहिए, लेकिन सरकार इनकी बनेगी क्योंकि मैक्सिमम इनके वोट हैं। तो ये पूरा सिस्टम है। अब दुनिया में होने क्या लगा जब देश बने, अब आपको सिर्फ 30%, 35%, 40% वोट मिल जाएंगे, आपकी सरकार बननी तय है। तो अब यहाँ लोगों से वोट मांगने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आपको एक्चुअली ग्रुप ही तो बनाना है, एक ग्रुप जो आपका साथ दे। तो ग्रुप बनाने के हमेशा से इतिहास में अगर आप देखें तो 2 तरीके रहे। एक तरीका है पॉजिटिव इंटीग्रेशन और दूसरा तरीका होता है नेगेटिव इंटीग्रेशन। पॉजिटिव इंटीग्रेशन इस तरीके से होता है कि आप एक विजन लेके चलते हो और एक पॉलिसीज बनाने की बात करते हो कि हम सब मिलके ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे कि सबकी ज़िंदगी बेहतर होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, और लोगों से वोट मांगो कि हम आप हमें वोट दोगे, आपकी ज़िंदगी बेहतर करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि चारों के चारों वही बात बोल रहे हैं, पहली प्रॉब्लम। दूसरी चीज़, आप जब ये काम करने आओगे आपको बहुत काबिल होना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत से काम करना पड़ेगा, आपको वाकई में रूलिंग क्लास से पंगा लेना पड़ेगा अगर आपको आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनानी है। तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस रास्ते में, और ये सब काम आप पूरा मेहनत से करते रहो सालों साल, तब जाके कुछ होगा। और क्या पता हो सकता है इतना करने के बाद आप अगली बार चुनाव में वोट मांगने आओ तो क्या पता अब भी लोग खुश ना हो, क्या पता। अब दूसरा तरीका है नेगेटिव इंटीग्रेशन। नेगेटिव इंटीग्रेशन यानी कि अब इंसानों की एक फितरत होती है, इंसान हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं, ग्रुप डायनेमिक्स जिसको कहते हैं। तो किसी भी इलाके में अब एक नस्ल के लोग हैं, दूसरे नस्ल के लोग हैं, या एक धर्म के, दूसरे धर्म के, तीसरे धर्म के, या भाषा के लिहाज से, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ग्रुप बने होते हैं। तो नेगेटिव इंटीग्रेशन ये मतलब होता है आप किन्हीं लोगों की तरफ इशारा करो और आप ये कहो कि ये लोग दुश्मन हैं, ये दुश्मन है। जैसे ही आप ये बोलोगे सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे जो लोग एक खुद को एक जैसा समझते हैं। तो जिन लोगों की तादाद ज़्यादा है, जैसे जर्मनी में जो एक तरफ जर्मन लोग हैं और दूसरी तरफ जर्मन लोग ही हैं लेकिन ज्यूज हैं, जो यहूदी हैं, हिटलर ने कहना शुरू किया कि ये जो यहूदी लोग हैं ये बहुत बुरे होते हैं, किसी लायक नहीं होते, और ये हमारे देश पे बोझ हैं, ये हमारे जो कल्चर का जो सिग्निफिकेंस है उसको मानते नहीं हैं, ये जर्मन खून को ख़राब कर रहे हैं, हमारी ब्लड लाइन ख़राब कर रहे हैं, ऐसे तमाम तरह की बातें। तो पूरा का पूरा इलाका एक साथ इकट्ठा हो जाता है ऐसे, इससे कहते हैं नेगेटिव इंटीग्रेशन। और इतिहास में ऐसे ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने देश के जो अलग अलग तरह के लोग हैं उनको इशारा करके बोला है कि ये दुश्मन है, इनकी वजह से हमारा देश खराब हो रहा है, ये लोग खराब लोग हैं, इनके नियत पे भरोसा नहीं कर सकते, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, और ये बातें बोल के एक बड़ा ग्रुप बन जाता है। और 30% 35% लोग भी अगर आपके साथ आ गए तो आपकी सरकार बन गई। और ये बहुत ईजी तरीका है, बहुत ईजी तरीका। मतलब क्यों, आप किसी काबिल ना हो,
फिर भी आप वोट मांग के वोट ले सकते हो, आप सरकार बना सकते हो। और सरकार में आने के बाद आपको कोई काम नहीं करना, आप कुछ ना करो तब भी चलेगा। आपको क्या करना है, आपने जिन लोगों को दुश्मन दिखाया है उन लोगों से हक और अधिकार छीनने की कोशिश करो, छीन लो हक अधिकार। आप उनके खिलाफ गुंडागर्दी करना शुरू कर दो, ऐसा ऐसा करना शुरू कर दो, आप उन लोग को मरवा दो। ऐसे इतिहास में ना जाने कितने हुए हैं, बोस्निया से लेके कहां कहां एक से एक वाक्य हुए हैं, आप खून खराबा करा दो। तो ये बहुत आसान तरीका है, अगले चुनाव में आप फिर आ जाओगे कि हाँ मैंने किया, और आप फिर से आपको उतने वोट मिल जाएंगे। ये बहुत आसान तरीका है। तो ये दो तरीके हैं। तो इस नेगेटिव इंटीग्रेशन का ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है पूरी दुनिया में, हमेशा यूज़ होता आया है, आज भी यूज़ हो रहा है। तो ये जो एक बहुत बड़ी आयरनी है कि देश बनाए गए ये सोच के कि सब गरीब लोग देश बनाएंगे अलग अलग इलाकों में और सब लोग खुशी से अच्छे से रहेंगे, लेकिन जब देश बन गए तो उसी देश के अपने अंदर के लोगों को दुश्मन बना के लोग मारना काटना उनको दबाना शुरू कर दिया। इंसान ऐसे होते हैं कि मतलब एक आइडिया आया तो उस आइडिया से ना जाने क्या क्या करने लग जाते हैं। अब इससे और क्या होने लगा, देश बने तो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हुआ। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ यूनिफॉर्मिटी आपको बनानी पड़ती है नेशनल आइडेंटिटी के लिए, कि कुछ तो ऐसे धागे हों जो पूरे देश को जोड़ सकें। तो अब स्टार्टिंग में जब देश बने तो जिन लोगों ने देश बनाया उन्हें पता था देश का मतलब क्या होता है, कि गरीब लोगों ने देश बनाया है कि वो जी सकें अच्छे से। अब अगली जो पीढ़ियाँ आईं, अगली पीढ़ियों ने देश को इस नज़र से नहीं देखा, उन्होंने देश को इस नज़र से देखा कि ये पूरा हमारा देश है और यहाँ पे इतने परसेंट लोग ये भाषा बोलते हैं, इतने परसेंट ये भाषा, इतने परसेंट लोग ये भाषा, इतने परसेंट लोग इस धर्म के, इतने परसेंट इसके, इतने परसेंट इसके। तो जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिनके पास ताकत ज़्यादा है, उन्होंने नेशन बिल्डिंग और यूनिफॉर्मिटी के नाम पर अपनी चलाना शुरू कर दिया कि अब ये हमारा देश है और हमारे देश में सबसे ज़्यादा संख्या हम लोगों की है, तो पूरा देश हमारी ही भाषा बोले, पूरा देश हमारे ही तरीके से सोचे, हमारे ही तरीके से खाए, हमारी तरह के कल्चर में रहे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है नेगेटिव इंटीग्रेशन का, कि आप चुनाव में आके बोलो कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा, बड़ा आसान तरीका है। तो ये होने लग गया। तो अगली जो पीढ़ियाँ आई, अगली पीढ़ियों में ये मेजॉरिटेरियनिज्म होने लग गया, यानी कि अगर किसी इलाके में सिर्फ मुस्लिम है, अब मुस्लिम में कहीं पे शिया ज़्यादा हैं तो वो सुन्नी लोगों के खिलाफ बोलने लग जाएंगे, काम करने लग जाएंगे। किसी मुस्लिम देश में सुन्नी लोग ज़्यादा हैं, शिया कम हैं, तो सुन्नी लोग शियाओं के बारे में करने लग जाएंगे। तो ऐसा चलता रहा। तो ये मेजॉरिटी में जो लोग हैं उन्होंने ये काम करना शुरू किया, और इस चीज़ को फिर से अगली जनरेशन के लोग इसे नेशनलिज्म बोलने लग गए। यानी कि अब जो पिछली जनरेशन का राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म था, अब नई जनरेशन का नेशनलिज्म बिल्कुल अलग है, कि अब ये देश हमारा है तो हमारे तरीके से रहे। अब ये देश का मतलब ये नहीं बचा कि ये जितना इलाका है हम सब लोग अलग अलग इलाकों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग भाषाओं के, लेकिन हम सब गरीब हैं, गरीब लोग मिलके अपना देश बनाओ जिससे कि हम जी सकें। इस देश के राष्ट्रवाद जो बन गया, शुरू कहाँ से हुआ था और क्या क्या बनता चला गया, इतिहास का एक और सबक। पहले के ज़माने में जो रूलिंग क्लास थी वो राजाओं की और जो चर्च के पुजारियों की या अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं की थी, आज के टाइम में जो नई रूलिंग क्लास है वो है बिग बिजनेसेस की। बिजनेसेस की नहीं, जो छोटे बिजनेस है वो तो मर ही रहे हैं, जो बिग बिजनेस है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, उन लोग की बात कर रहा हूँ, जो सेंट्रल बैंक्स के होल्डर्स हैं, जो शेयर मार्केट्स के होल्डर्स हैं, जिन्होंने मोनोपोली बना ली है जिन कंपनीज ने, उन लोगों की। और ये लोग कितने, किस हद तक ये रूल कर रहे हैं कि अलग अलग देशों की सरकारों से बड़े हो चुके हैं ये लोग। और अलग अलग एग्जांपल्स हैं, जैसे सरकारें बॉन्ड्स निकालती हैं अपने, ये लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं सरकारों के, ये लोग सरकारों को लोन देते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं, लॉबिंग करते हैं, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन्होंने संभाल रखा है। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, इनके मैं वीडियोस अलग अलग बनाता रहूँगा, और जो कॉमन मैनस नॉलेज प्लेलिस्ट है असेंशन टॉक्स के जो स्पेशल्स हैं जहाँ पे, इसमें ये अलग अलग वीडियोस मैं भविष्य में डालते रहूँगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए कि नई रूलिंग क्लास कौन सी है। और एक और
इतिहास का सबक कि आज के टाइम में जो देश हैं ये सिर्फ वर्टिकल प्रोजेक्शंस बचे हैं, कि वर्टिकल प्रोजेक्शंस यानी कि कॉमन टेरिटरी है, कॉमन इकोनॉमी है, ये बस इतना बचा है। नेशंस हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए तो कोलैप्स करते जा रहे हैं। तो अब ये जो ट्रायंगल है, देश, रूलिंग क्लास और गरीब लोग, इसका खेल बहुत बिगड़ चुका है। देश हॉरिजॉन्टली कोलैप्स करते जा रहे हैं। इसके बाद एक और चीज, आज के टाइम में जितने भी इंसान हैं, आधे से भी कम इंसानियत, लेस देन हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी, ये एक्चुअल देशों में रह रहे हैं जिनको वाकई में हम देश कह सकते हैं। ऐसे देश बहुत कम है, आधे से भी कम। और देश एक्चुअली किसे कहते हैं? जो डेमोक्रेसी हो उन्हीं को देश कहते हैं। जो डेमोक्रेसी नहीं है टेक्निकली उन्हें देश नहीं कह सकते, वो साम्राज्य हैं, वो किसी राजा के राज्य हैं। अब जैसे रशिया है, रशिया को टेक्निकली तो देश है, लेकिन इस नज़र से देखें तो रशिया देश नहीं है, वो पुतिन का साम्राज्य है। पाकिस्तान टेक्निकली तो देश है लेकिन वो देश नहीं है, वो अपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका साम्राज्य है। अब एक और चीज़, आज के वक्त में ऐसे लोग जो साइंस पे भरोसा नहीं करते हैं, साइंस ये कहती है कि जितने इंसान हैं सब बराबर हैं, हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर जात में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर नस्ल में अच्छे बुरे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी धर्म के लोग खराब हैं या नस्ल के लोग खराब हैं। साइंस इक्वालिटी की बात करती है, साइंस बेहतरी की बात करती है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो साइंस को नहीं मानते हैं, जो खूब ये बात कहते हैं कि नहीं, इस नस्ल के लोग खराब होते हैं, इस देश के लोग खराब होते हैं, इस धर्म के लोग खराब होते हैं, ऐसे तमाम तरह की बातें करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, साइंस का भरोसा नहीं करते। तो ऐसे बहुत लोग हैं, ये चुनाव जीत जाते हैं, इनकी सरकारें बन जाती हैं, और जब पूरे देश का कंट्रोल इनके पास आता है तो ऐसे लोग जो साइंस का भरोसा नहीं करते, इनके हाथ में एटम बॉम्ब्स का कंट्रोल होता है, फाइटर प्लेन्स का कंट्रोल होता है, स्पेस मिशंस का कंट्रोल होता है, यानी कि साइंस के जो एपिटोम क्रिएशंस हैं, ये उन सब चीज़ों का कंट्रोल इनके पास होता है, उन लोगों के पास जो साइंस की बात नहीं मानते। इनको लड़ाई करनी होती है जब, तो साइंस का इस्तेमाल करके लड़ाई करेंगे। इनको अपना चुनाव का प्रचार करना होता है तो साइंस का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप और हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब इनके राजनीतिक विचार की बात आती है तो साइंस का इस्तेमाल वहाँ छोड़ देते हैं। कायदे से अगर आपको धर्म या नस्ल की लड़ाई करनी है तो आपको साइंस का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। आप तलवार भाले उठा के लड़ना शुरू कर देना चाहिए ऐसे लोगों को, इनके हाथ में ये बंदूक और ये सैटेलाइट्स और ये सब नहीं होना चाहिए। खैर, अब लास्ट में एक चीज़, हम हिंदुस्तान हैं और हमने पूरी दुनिया में जितने भी आज़ादी की लड़ाइयों का एक क्रेडल रहा है, हमने दुनिया को दिखाया है कि ऐसे भी आंदोलन किए जा सकते हैं, और हज़ारों लोगों ने अपनी अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानियां दी हैं हमारे देश में। जब आज़ादी की लड़ाई हुई, जितने फ्रीडम फाइटर्स रहे, जितने लीडर्स रहे, ये सब लोग अच्छे अच्छे परिवारों के थे, अमीर घरों के थे, ज़्यादातर कई सारे लोग विदेशों में पढ़ के आए थे। ये वो लोग थे जो अगर चाहते तो अपनी ज़िंदगी इतने ऐशो आराम में गुजारते कि बिल्कुल अय्याशी में जीते, ठाठ में जीते, लेकिन ये वो लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगियां छोड़ दी, कुर्बान कर दी, सारे ऐशो आराम कुर्बान कर दिए, सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान आए। यहाँ पे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई शुरू करी, लाठी खाई, गालियाँ खाई, जेल गए, बार बार जेल भेजे गए, उनके साथ उनके परिवार वालों को भी जेल भेजा गया। तो जितने भी सैक्रिफाइसेस दिए हैं हमारे पूर्वजों ने, हम किस लिए दिए? इसीलिए दिए कि आगे आने वाली पीढ़ियां जो हिंदुस्तान की हैं, इन पे हक और अधिकार रहें। तो सबक ये है इतिहास का कि आपके जो हक और अधिकार हैं इनको कभी मत खोइएगा, क्योंकि अगर आपने अपने हक और अधिकार खो दिए, वो देश का सिस्टम एक बार टूट गया तो वापस ये देश का सिस्टम नहीं खड़ा हो पाएगा जल्दी। और आपने अपने हक और अधिकार खो दिए तो वो सब जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी अपनी अपनी जिंदगियों की, वो सब की कुर्बानियां बर्बाद हो जाएंगी। और जाते जाते एक और आखिरी सबक, हम हिंदुस्तान हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और कनेक्टेड हैं दुनिया से हम आज भी, और हम एक एंशियंट सिविलाइजेशन रहे हैं,
हम कोई जिम्बाब्वे, जाम्बिया, टोगो ऐसे कोई देश नहीं कि हमारे देश में चलो कुछ भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हिंदुस्तान हैं, हम अगर कुछ करते हैं तो पूरी दुनिया पे फर्क पड़ता है, पूरी दुनिया हमें देखती है और उनको भी ताकत मिलती है। हम अच्छा करें तो अच्छे के लिए ताकत मिलेगी, हम बुरा करें तो बुरे के लिए ताकत मिलेगी। तो हम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और आज के टाइम में इंसानियत एक से एक बड़े बड़े चैलेंजेस के सामने खड़ी है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो अलग अलग तरह के इतने चैलेंजेस हैं कि उनके अलग स्पेशल्स बन सकते हैं। तो इतने चैलेंजेस के आगे इंसानियत खड़ी है कि आज इंसानों ने अगर ढंग से काम शुरू नहीं किया तो इंसान एक सिविलाइजेशन के तौर पर ख़त्म हो सकते हैं। तो ये हम पे जिम्मेदारी है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम दुनिया को एक रास्ता दिखा सकते हैं। तो हमें ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि हमारा जो देश इतनी कुर्बानियों के बाद बना है, ये देश का सिस्टम टूटना नहीं चाहिए और आपके हक अधिकार कभी मत खोइएगा, क्योंकि ये दुनिया तो तैयार बैठी है, ये दुनिया तैयार बैठी कि आपके हक अधिकार छीन लिए जाएँ और आप बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल दर्दनाक ज़िंदगी जिए और इन रूलिंग क्लास के लोगों की सेवा करते रहें। तो दुनिया तो चाहती है कि आप अपने हक अधिकार भूल जाइए, ये आप पे है कि आप कहाँ पे लकीर खींचते हैं कि बस इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, इससे ज़्यादा मैं अपने हक और अधिकार नहीं दूंगा। तो ये था क्लास 10th हिस्ट्री के पहले चैप्टर का पहला पार्ट। अब इसके बाद जब मैं सेकेंड पार्ट निकालूंगा एक चैप्टर का, तो फिर हम एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे और उससे पहले मैं एक अलग स्पेशल निकालूंगा जिसमें मैं नेशनलिज्म इन यूरोप की पूरी कहानी समझाऊंगा। वो वीडियो आपको मिल जाएगा असेंशन टॉक्स स्पेशल जो कॉमन मैन्स नॉलेज प्लेलिस्ट है, और आप फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चलिए फिर, थैंक यू। Preview.